चुनाव अधिकारी जो चुनाव आयोग के अधीन कार्य कर रहे हैं, उन्होंने पैसे खा के वोट करने वालों को रोकने के उपायों को तेज कर दिया है। पुलिस हर जगह छापे मार रही है। अगर कोई भी वोटिंग के समय पैसा बांटते हुए पकड़ा गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये रोकड़ा कहाँ से है? साहब, ये मेरी पगार है। ओ, महीने के बीच पगार मिल गई, वोट के पैसे है ना? चल उतार, साइड में ले इसको। सर, 6 महीने के अंदर ही काम शुरू हो जाएगा। आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो। जी सर। सर, बात यह है, विजय गुरुमूर्ति ने इलेक्शन के लिए हमें 5,000 करोड़ देने का वादा किया था। 4,000 तो आ चुके हैं, पर बाकी नहीं आए। मैं बात करेगा, जा। जी मालिक। विजय, सीएम को बात करनी है। हेलो विजय सर, कैसे हैं आप? पापा कैसे हैं? ठीक है, शायद 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। आप कैसे हैं? बस आपका कृपा है सर। बताइए क्या चाहिए। इलेक्शन के लिए आपने बोला था कि 5,000 करोड़ भिजवा देंगे, लेकिन सिर्फ 4,000 करोड़ मिले, तो मैं सोचा इरादा बदल गया क्या? नहीं बदला, 5,000 करोड़ ही भिजवाए, ठीक से कि नहीं? भाई झूठ सिर्फ जनता से मंच पे बोलता है, आपसे थोड़ी बोलेगा। और आपका CEO अरविंद ने बोला कि वो आपसे बात करके बोलेगा बाकी पैसे कब मिलेगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। विजय, ये CM 3 महीने से कोयले के खान वाले प्रोजेक्ट को टाले जा रहा है, इसीलिए मैंने इसका 1,000 करोड़ रोका। मुझसे क्यों छुपाया, इडियट? विजय गुरुमूर्ति साला 1,000 बार मुझे जलील करता है। मैं तुझे, तेरे बाप को और तेरी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। पूरी जिंदगी मेरे बाबा ने इन लोगों की गुलामी की, और जब वो इनके पास मदद के लिए आए तो कोई सामने नहीं आया। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो भारतीय न्यूरोसर्जन जिन्होंने मेडिकल की दुनिया में हैरतअंगेज काम कर दिखाया है। आपका स्वागत है। थैंक यू। इतिहास में कई दिग्गज डॉक्टर्स आए, पर कोई भी ब्रेन ट्रांसप्लांट जैसा करिश्मा नहीं दिखा पाया जो आपने दिखाया है। इसमें आपकी मेहनत थी या किस्मत? ये सब साइंस है। सन 1818 में खून बदलने की प्रक्रिया को करिश्मा कहते थे, पर आज वो आम प्रक्रिया है। आजकल तो बाल, गुर्दे, दिल बदलने की प्रक्रिया भी आम है। ये कोई चमत्कार नहीं है। हमने बंदरों की सर्जरी करके उनके दिमाग एक दूसरे के साथ बदले और इसमें कामयाब रहे। सरकार प्रक्रिया को प्रमाणित कर दे तो हम इंसान का भी कर सकेंगे। हार्ट किडनी ट्रांसप्लांट से जाने बचती है, पर ब्रेन ट्रांसप्लांट से क्या फायदा हो सकता है? देखिए, इंसान अपनी सोच की वजह से ही महान और सफल बनता है। अगर उनकी सोच वाला दिमाग मरने के बाद किसी और में डाल दें, तो एक तरह से हम उनकी उम्र लंबी कर सकते हैं। मतलब आइंस्टाइन और न्यूटन अगर हमेशा जिंदा रहते तो आज दुनिया कहाँ होती? चलिए मान लेते हैं कि महापुरुषों की उम्र बढ़ सकती है, लेकिन इससे उल्टा भी तो हो सकता है। हिटलर जैसे दरिंदों को भी तो जिंदा रखा जा सकता है। अगर इसका मिसयूज हुआ तो तबाही मच सकती है डॉक्टर। हमने बंदरों की सर्जरी करके उनके दिमाग एक दूसरे के साथ बदले और हम इसमें कामयाब रहे। सरकार प्रक्रिया को प्रमाणित कर दे तो हम इंसान का भी कर सकते हैं। हम विजय के शरीर में किसी और का दिमाग डालेंगे। विजय की मौत के बाद उसकी जायदाद में से मैं 50% लूंगा, और बाकी में से तुम दोनों को 25-25% दूंगा। इसमें खतरा है भाई। दुबई में करेंगे तो सब हो जाएगा। डॉक्टर मेहता मानेगा? 140 करोड़ का ऑफर दिया है, 50 करोड़ एडवांस दिया है। बहुत महंगा नहीं है? बदले में 1,00,000 करोड़ भी तो मिलेंगे, उसके लिए 140 करोड़ छोटी सी लागत है। चल ठीक है, मान लिया। ब्लड ग्रुप तो मैच हो जाएगा, पर दिमाग को ट्रांसप्लांट करना कोई हलवा है क्या? टिश्यू भी मैच होने चाहिए। चल अगर वो भी हो गया, लेकिन अगर ऑपरेशन के बीच में तू मर गया फिर क्या करेंगे? मैंने कब कहा मेरा दिमाग उसमें डालूंगा? उसके शरीर में ऐसा दिमाग होगा जो हमारी कठपुतली बनेगा। ऐसा आदमी तेरे को कहां मिलेगा? कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अपना काम होने के बाद उसे भी मार डालेंगे। इस काम के लिए एक अनाज चाहिए जिसका अपना कोई ना हो,
जिसके गायब होने पे किसी को फर्क ना पड़े। विजय के बाप की तबीयत का क्या हाल है? एकदम फिट है, अगले हफ्ते डिस्चार्ज मिल जाएगा। कल ही उसको खत्म कर दो। अब शुरू होगा विजय की बर्बादी का खेल। जिंदगी भर मेरे बाप ने तेरी गुलामी की और तूने उसे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। कल तक तो ये एकदम ठीक थे, अचानक क्या हुआ? हमने बहुत कोशिश की, पर वो कहते हैं ना, जिसकी जितनी लिखी होती है उतना ही जीता है। मैं हूं तो इंसान ही, होनी को नहीं टाल सकता हूं। मुझे माफ करना, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ईश्वर उन्हें मुक्ति दे, पर मीडिया से ये बात छुपेगी नहीं तो बता दो उन्हें। पर विजय, एक दिक्कत है, इनके मरने की खबर अभी सबको बता दी तो दुबई के शेख के साथ जो तेल के कुएं और जमीनों के लेन देन का सौदा होने वाला है वो नहीं होगा। एक झटके में 40,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टॉक्स भी डूब जाएंगे। बात तो सही है तुम्हारी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगा। सोचो वो होते तो क्या करते? वो अपनी शोहरत को बचाने के लिए ये बात छुपाते कम से कम 1 महीने तक, जब तक शेख के साथ सौदा पक्का नहीं होता। या हाय। हाय मैम। मैं हेमा बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस हफ्ते जो भी मीटिंग्स हैं उन्हें 2 हफ्तों के लिए पोस्टपोन कर दो प्लीज। आगे की डेट भेजता हूँ। श्योर, मुझे बाद में मैसेज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। तुमने तुम्हारी दवाइयां ली? बात क्या है विजय, पापा के देहांत की खबर तुम छुपाना क्यों चाहते हो? अगर अचानक ये खबर बाहर आई तो कंपनी के शेयर्स पूरी तरह से गिर जाएंगे। शेयर्स को ऐसे बढ़ाना गिराना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है विजय, उससे ज्यादा जरूरी तुम्हारे पापा हैं। हाँ हाँ, सौदा होके रहेगा, फिक्र मत करो। मैं अभी उनकी ऑफिस में ही हूँ, विजय सर से बात करके बताता हूँ। द डील इज ऑन, आई प्रॉमिस। शेख ने क्या बोला? शेख दुबई के उसके ऑफिस में मिलना चाहता है, अभी से कागजात तैयार करवा लेगा तो 10 दिन के अंदर सारा का सारा लेन देन पूरा हो जाएगा। 10 दिन लगेंगे? इतनी जल्दी क्या है विजय? तुम नहीं समझोगे हेमा, डॉक्टर 10 दिन तक मरने की बात को छुपाने का कोई तरीका है? वेंटिलेशन पे डाल देंगे, बहुत सी लाशों से यही करके कमा चुके हैं। तुम पागल हो गए हो? चुप बैठो तुम। अरविंद, कल सबके दुबई जाने का इंतजाम करो। ठीक है। विजय, पैसे कमाने के लिए पापा के साथ ऐसा करोगे तुम? तो क्या करूं, रास्ते पे आ जाऊं, कटोरा लेके भीख मांगता फिरूं? रहने दो, पर मैं बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी सच क्या है। हाथ में रहो। विजय, पापा के मरने का दुख मुझे भी है, पर तुम्हारी तरह नाटक नहीं कर रहा, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। सॉरी। ये कभी मुझे समझ नहीं पाएगी। अगली बार हेमा को ऑफिस के मामलों से दूर रखना अरविंद। नहीं अरविंद, कोई भी चलेगा पर वो तो बिल्कुल भी नहीं। तुम पहले ही बता देते तो मैं तुमसे एडवांस ही नहीं लेता। वो भारत का 7वां सबसे अमीर आदमी है, कोई सड़क का भिखारी नहीं जो कोई शक नहीं करेगा। दुबई में धोखे से लाके उसकी सर्जरी करवा दोगे, मजाक कर रहे हो? सब पकड़े जाएंगे। मुझे माफ करो, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुमने जो एडवांस दिया था मैं तुम्हें लौटा दूंगा, प्लीज मेरी जान छोड़ो। भरोसा रखो डॉक्टर, आज तक विजय को कितनी बार लूटा है उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ है, मैंने उसका विश्वास जीता है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। सबको पता है विजय दुबई क्यों जा रहा है, शेख से मिलने। प्लान एकदम सेट है। जहाँ तक सर्जरी का सवाल है, मैं दुनिया की बेस्ट मशीन लेकर वहाँ तैयार रहूंगा। चलो ऐसा करते हैं, 100 करोड़ और दे देते हैं। और जिसका दिमाग डालना है वो अभी तक मिला क्या? हम उसी के बंदोबस्त में लगे, बस 2-3 दिन दीजिए, परफेक्ट मैच लाऊंगा। ठीक है, जब बंदोबस्त हो जाए फिर कॉल करना। ठीक है। पक्का डॉक्टर, पता देखेंगे। डॉक्टर, ये टकला कभी भी इरादा बदल सकता है, जल्दी किसी को ढूंढो, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में मेरा एक डॉक्टर है, दिखने में नहीं लगता,
इंसानी अंग बेचने वाला जल्लाद व्यापारी है। उसके पास गरीब अनाथ आते ही रहते हैं। जैसे ही उसे कोई मिलेगा, हम उसे दुबई ले जाएंगे और उसका दिमाग विजय के शरीर में डाल देंगे। तुम्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती है, फिर भी डॉक्टर अभी आएंगे, उनसे चेकअप करवा लेना। जी ठीक है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप एबी नेगेटिव है, ये चिट्ठी जाके कंपाउंडर को दे दो। कितनी बार कहा दारू मत पियो, सड़ गया ना गुर्दा। अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं की। भाई अस्पताल में ना मेरे को बहुत डर लगता है। नर्स को घूरते वक्त तो तुझे डर नहीं लग रहा था? अरे भाई एक ही वजह है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। चल अब मैं हल्का हो गया था, बाहर मिल। हाँ बोल। हेलो डॉक्टर, ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला एक बकरा मिल गया है। शाबाश। सर पर लगी चोट को दिखाने आ रहा है आपके पास। उम्र 30 साल होगी। लॉटरी लग गई अपनी सर। उसे कहीं जाने मत देना, मैं अभी आया। एक्सरे तो ठीक ही दिख रहा है, पर हो सकता है कोई अंदरूनी चोट हो। एमआरआई करा लोगे तो शक दूर हो जाएगा। अच्छा एक बात कहनी थी, गौर से सुनना। तुम्हारा ब्लड ग्रुप बहुत खास है, अस्पताल में उसकी कमी की वजह से बहुत लोग मरे हैं। क्या तुम ब्लड डोनेट करना चाहोगे? करना चाहोगे क्या? गरीब पैसे तो दान नहीं कर सकता, कम से कम खून दान करके कुछ पुण्य कमा लूंगा। कितने उच्च विचार हैं तुम्हारे। एक्सक्यूज मी, मिल गया? हाँ मिल गया सर। अच्छे से चेक किया, सब कुछ मैच है ना? टिश्यूज तक एकदम मैच करते हैं सर। करता क्या है? सर वो मुझे BMW गाड़ी चाहिए थी। एक क्या, दो दो BMW दूंगा, बता कौन है वो? उसका नाम सत्या है, पिचकारी है सर। हिंदी में बोल। भिखारी है सर। इसका नाम सत्या है, एक पिचकर मतलब भिखारी है। बस अब विजय को यहां लाकर इसका दिमाग विजय के शरीर में हमें फिट करना है। गए थे बेवकूफ, वक्त की कीमत नहीं जानते। अभी आ रहे हो? वो डॉक्टर दुबई के लिए निकला? 4 घंटे में तुम्हारे पास होगा। विजय को बेहोशी की दवा पिलाने के लिए तैयार रहना। उसकी चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। इतनी जल्दी जल्दी पी के खत्म मत कीजिए, क्या पता ये जिंदगी का आखिरी जाम हो, इसके बाद सीधा नरक में पीने को मिलेगा।
इसमें मेरी बरसों से नजर है। जब तू इसके साथ मजे कर रहा होता था ना, तब मैं छिपे हुए कमरे से तुम दोनों का पूरा शो देखा करता था। तब तो मैं कुछ नहीं कर पाया विजय, पर अब इसके साथ बहुत कुछ करूंगा, मजा आएगा। प्रवीण, इसको चढ़ गई है, ले जाए इसे यहाँ से। तेरे बाप का नौकर समझ के रखा है, हैं? हमारे साथ टेंशन बांट सकता है तो गर्लफ्रेंड भी बांट दे। चल एक बार ही बांट दे, मतलब ही कहीं का। मेरा फोन वापस कर। उसको कभी छूने तो नहीं दिया, कम से कम देखने तो दे। अरे डॉक्टर, आजा आजा। ऐसे भी कोई बॉस से बात करता है? मुझे अभी क्यों बुलाया यार, बेहोश तो होने देते, मेरा असली रूप मत दिखाओ यार। क्या रे शाने, डर गया क्या? हाँ बोलना, गुस्सा आ रहा है? सोच, जब तेरे बाप की वजह से मेरा बाप मरा था, तब मुझे कितना सदमा लगा होगा। तेरा बाप चाहता तो उन्हें बचा सकता था, पर उसने दोस्त से ज्यादा अपने धंधे को अहमियत दी और मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली। अब तेरे बाप का सारा पैसा, जायदाद, पावर, उसके सारे बिजनेस, सब मेरा। अब मेरे बाबा को शांति मिलेगी, तुझे भी उनके पास भेज दूंगा। हाय डॉक्टर। आलियो आ भी गया। हाय डॉक्टर, आपका स्वागत है। और आपकी तारीफ? मैं डॉक्टर शिवा। तो क्या अब हम चले? ठीक है। विजय को ठीक से बेहोश किया तुमने? पूरी तरह सो चुका है। और जिसका दिमाग उसके शरीर में डालना है उसे? आज सुबह ही उसका शरीर यहाँ लेके आए, पूरी तरह बेहोश है। हेलो डॉक्टर, फ्लाइट में दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ हाँ, बस गर्मी परेशान कर रही है। चलिए मरीज को देखते हैं। मरीज के सर पर जख्म क्यों है? आपने इसका ध्यान नहीं रखा? इससे परेशानी होगी क्या? होगी तो, पर मैं संभाल लूंगा। छह समय में इस भिखारी सत्या का दिमाग हम मशहूर अरबपति विजय गुरु मूर्ति के शरीर में फीट कर देंगे। क्या चमत्कारी डॉक्टर है भाई। दिमाग बदलने का पहला स्टेप शुरू होने वाला है, रेडी। अरे हेलो, बोलो। कहाँ हो तुम? इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आज मैंने अपने सपने में देखा कि तुम्हें कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है विजय। टाइम देखा है क्या हुआ? मेरी नींद खराब मत करो, तुम सो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुमने खाना खाया? अपनी दवाइयाँ भी खाई? हाँ ले ली। सुनो, मुझे तुम्हारी डांट का बुरा नहीं लगा,
बस ये बुरा लगा कि तुमने अरविंद के सामने मुझे डांटा, उसकी नजर अच्छी नहीं है। मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए आया हूँ। फालतू बातें करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। समझी? एक महीने के बाद फोन करना। बाय। एक महीने बाद? पर तुम तो 10 दिन बोलकर गए थे। और कॉल काट दी गई है। सत्या के शरीर को दुबई के रेगिस्तान में जाकर फेंक दो, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे चील कौवे और बाज उसको चीर कर रख देंगे। मेरा ख्याल है हमारी सर्जरी अब तक कामयाब रही है। विजय को अगले 30 दिनों तक आराम की ज़रूरत है। दिमाग 30 दिन में शरीर को अपना लेगा, ठीक है? और दिमाग देने वाले की कोई पूछताछ तो नहीं करेगा ना? सवाल ही नहीं उठता, उसका इस दुनिया में कोई नहीं, वो तो एक भिखारी है। क्या है? भिखारी है, एक फकीर। साहेब, कुछ खाने के लिए दे दो ना साहेब, बहुत भूख लगी है साहेब। साहेब दे दो ना, थोड़े पैसे दे दो ना साहेब। हर दिन भीख मांगने के बाद इतने पैसे जमा कर पाया कि एक वक्त की रोटी से अपना और अपनी बहन का पेट भर सकूं। भैया यहाँ तो सोने की जगह ही नहीं है, हम कहाँ सोएंगे? अरे वो देखना, कचरे के डब्बे के पास जगह है, वहीं सोएंगे। भैया चप्पल के बिना चल चल के पैर छिल गए। तेरे लिए कल चप्पल ला दूंगा। भैया कुल्फी कब खिलाओगे? बच्चे कुल्फी नहीं खाते, उससे सर्दी हो जाती है। सुनो बेटा, ये बच्ची कौन है? तुम्हारी बहन है क्या? मेरी छोटी बहन है काका। तुम दोनों के माँ बाप कहाँ हैं? वो दोनों तो एक्सीडेंट में मर गए काका। ये इलाका बच्चे उठाने वालों का है, इसीलिए अपनी बहन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। किसी पर भी भरोसा मत करना बेटा। ठीक है काका। भैया आप ये साड़ी से मेरे हाथ क्यों बांध रहे हो? ताकि कोई तुझे ले ना जाए और हम अलग ना हो जाए। मुझे कौन उठा के ले जाएगा भैया? याद है माँ बोलती थी बुढ़ा बाबा आएगा और हमें उठा कर ले जाएगा। मुझे बुढ़े बाबा के साथ नहीं जाना है भैया। तो आराम से सो जा, तेरा भाई तुझे उससे बचाएगा। गुड नाइट भैया। अरे बेटा काका? ऐसे लोग रात भर आते रहेंगे तो कब तक लड़ेगा तू उनसे? किसी वक्त 4-5 लोग एक साथ आ गए तो क्या करेगा तू? सरकार ने ऐसी जगह बनाई है जहाँ तेरे जैसे बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं और पेट भर खाना भी देते हैं। ठीक है काका, तुम अभी इसी वक्त हमें वहाँ पर ले चलोगे? अभी तो बंद होगा, सुबह होते ही तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। धन्यवाद काका। वो लोग बहुत भले हैं, वो जो कहेंगे उनकी बात मानना और पढ़ाई से भागना मत। दो बच्चे लाया हूँ, मालिक से कहो मुझे उनसे मिलना है।
इन बच्चों को यहाँ बिठा दूं? बैठो बच्चों। दो बच्चे लाया हूँ साहब, इनके माँ बाप मर चुके हैं, अनाथ हैं। आप बच्चों को आसरा देते हैं, इसलिए इन दोनों को यहाँ पर लाया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है रानी। और तुम्हारा? सत्या। स्कूल जाने का? हाँ, है जाना है। पढ़ लिख कर क्या बनेंगे? बोल, कलेक्टर बनूंगी। मैं तो कलेक्टर बनूंगी। अरे झकास, कलेक्टर बन के आप उनको भूल तो नहीं जाएंगे ना? कोई लफड़ा तो नहीं होएगा ना? नहीं साहब। कहाँ मिले ये चटर पटर? वहीं जहाँ मैं सोता हूँ। दोनों मेरे बगल में आकर सो गए और सुबह होते ही यहाँ ले आया। अच्छा बच्चों, मैं चलता हूँ। बड़ों की बात सुनना और मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? कलाताई, बच्ची को अंदर ले जाओ। करुणेश, लड़के को अपने दूसरे वाले घर पे ले जाओ। मैं रानी के साथ रहूंगा। अरे चिंटू, वो घर भी मेरा ही है, तुम वहाँ रहोगे और ये यहाँ। प्लीज अंकल, मुझे रानी के साथ ही रहने दो ना। सुन छोटे, ये वाले घर में सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं और उस वाले में लड़के, यही चिदर का रूल है। तुम वहाँ जाकर रहो, है ना? जब दिल करे यहाँ आ जाना। भैया यहाँ से चलो ना, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये तुझे स्कूल भेजेंगे, यहाँ से चले गए तो कौन पढ़ाएगा? मुझे स्कूल नहीं चाहिए, मुझे भैया चाहिए। और मेरे साथ रहकर कलेक्टर थोड़ी बन पाएगी। जिस साल में रखोगे रह लूंगी, मुझसे अलग मत हो भैया। दूसरा घर पास में ही है, रोज तेरी आँख खुलने से पहले यहाँ पे आ जाऊंगा। तेरे बिना रहना बहुत मुश्किल है रानी। तू पढ़ लिख कर बड़े कलेक्टर बन जाना, तू अपना ध्यान रखना रानी। बच्चा ए, तू अपने काम से काम रखना, ज्यादा शाना मत बन। उस नया लड़के ने कुछ खाया कि नहीं? नया है इसलिए उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अरे देना। ए, देख देख, वो आ रहा है, जल्दी सो जा। ए, ऐसे रोता काहे को है? खाली ये लोग जो बोलेंगे वो करने का बच्ची, इनसे आड़ा नहीं पड़ने का। अच्छा सुन, कभी कोई नशा वशा किया क्या? वो क्या होता है? अरे नशा मतलब गांजा, तेरे को नहीं मालूम? तेरे को इधर कौन लेकर आया? वो पास में एक बस स्टॉप है ना, कल रात मैं और मेरी बहन वहाँ सोए थे, वहाँ के काका हमें यहाँ लेकर आए ताकि हम स्कूल जा सके। स्कूल भेजेंगे? और तेरी बहन किधर है बे? वहाँ है जहाँ लड़कियाँ रहती है। हाँ लुच्चा हो गया यार, वो लड़कियों को रखता नहीं है, वो मामू उनको बेच देता है। रानी तू सही थी रानी, अंकल दरवाजा खोलो अंकल, मैं रानी का भाई हूँ, अंदर आने दो। अंकल दरवाजा खोलो, अंकल मैं रानी को लेने आया हूँ, दरवाजा खोलो। ए, कौन है दरवाजे पे? हला क्यों फाड़ रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? चल वापस जा। मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, वरना वो उसे बेच देंगे। आवाज बंद कर अपनी, चल निकल यहाँ से। मेरी बहन को छोड़, वरना चाकू दिखा था, तूने गलत पंगा ले लिया। अंकल 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 मुझे माफ कर दो अंकल, अंकल प्लीज अंकल, मैं अपनी बहन के बिना नहीं। अब आज जो नया बच्चा आया है ना, उसने अंदर घुसने के लिए चाकू निकाल लिया। अभी किधर है वो चिरकुट? बाहर गेट पर चिल्लम चिल्ली कर रहा है साहब। तू कान में रुई डाल के सो जा, रोने दे उस डेढ़ फुटिये को। अंकल दरवाजा खोलो अंकल। अच्छे से पढ़ाई करेगी ना भैया? आप ये साड़ी से मुझे क्यों बांध रहे हो भैया? ताकि कोई तुझे ले ना जाए और हम अलग ना हो जाए। क्यों सो रहा है?
चाकू लेके घूमता है दादा बनने का तेरे को? अंडे से निकला नहीं तेवर देखो इसके, जेब से ये निकला क्या है ये? ए गाड़ी में डालो इसको, पकड़ो इसको, चाकू लेके घूमता है, गांजा बेचता है। मेरी बहन को बचा दे सर, प्लीज सर। सर गांजा बेच रहा था, एंट्री कीजिए। नाम क्या है तेरा? सत्या। अभी तक मूछ नहीं निकली और गांजा बेचेगा? मैंने कुछ नहीं किया है साहब, सब झूठ बोल रहे हैं। लो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है ये ले। नए बच्चों को पुराने बच्चे बहुत तंग करते हैं, ऐसा हो तो उनसे उलझना मत, मुझसे आके शिकायत करना। आप मुझे बाहर कब भेजेंगे साहब? अच्छा बर्ताव रहा तो बहुत जल्दी छोड़ देंगे। मुझे मेरी बहन से मिलने दो ना साहब। तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते हो, मिलना है तो उसे यहाँ आके मिलने बोलो। वो फंसी हुई है, वो नहीं आ पाएगी साहब, प्लीज साहब मेरी बहन को बचा लो साहब। रोज खाना क्यों छोड़ देता है रे? बहन की याद आती है। तेरी बहन का नाम क्या है? रानी। तेरे माँ बाप नहीं है? अब कैसा है डॉक्टर? बस छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है। झाड़ पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? मुझे मेरी बहन से मिलना है, वो बुरे अंकल उसे बेच देंगे, वो बहुत छोटी है, बहुत डरी होगी वो। वो घर एक भाड़े का था बेटा, सब भाग चुके हैं, पुलिस ने वहां छापा मारा था, वहाँ एक बच्ची की लाश मिली, 5-6 साल की होगी। वो जो कहेंगे उनकी बात मानना और पढ़ाई से भागना मत। ये अंकल तुझे स्कूल भेजेंगे, इसलिए तुझे यहीं रुकना होगा। अरे अरे नहीं छोड़े, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे मत मार, तेरी बहन जिंदा है। उस दिन जो टपकी थी वो तेरी बहन नहीं थी, माँ कसम खा के कह रहा हूँ तेरी बहन जिंदा है। सुना है अपना सत्या छूटने वाला है? बेचारा 20 साल खो दिया अपना जिंदगी का। इस दुनिया में बुरे काम करने वालों की कमी नहीं है, उन्हें कानून सजा दे देगा, तुम सजा मत देना। समझ गया सर। तुम एक बहुत ही नेक इंसान हो सत्या, किसी चीज की जरूरत पड़े तो याद करना। आप तो जानते हैं सर, मुझे बस एक ही चीज चाहिए, मेरी बहन रानी। पच्चीस साल की लड़की होगी, सांवला रंग, उसके हाथ पे सत्या भाई गुदा हुआ है। इस हुलिये की किसी भी लड़की को देखा है क्या आपने? सुबह खोई चीज शाम को नहीं मिलती, तूने जिसको 20 साल पहले खोया वो तुझे कहाँ से मिलेगी? जाना भाई टाइम क्यों खोटी कर रहा है। रानी नाम है, 25 साल की, सांवला रंग, उसके हाथ पे सत्या भाई गुदा हुआ है। इस हुलिये की लड़की को आपने कहीं देखा है क्या? इस तस्वीर से मेल खाती लड़कियां तो 100 बार दिखती है। ये कौन से जमाने का फोटो है भाई, जाके नया फोटो ला। उसके हाथ पे सत्या भाई गुदा हुआ है, उसके दाएं हाथ की कलाई पे। वो जिंदा है भी? अरे जाके मुर्दा घर में ढूंढ। अरे अब भूल जाओ उसे। मैंने भी अपना एक भाई खोया था, आज तक नहीं मिला मेरे। भिखारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, शायद किसी को पता हो। बेटा इस गरीबी में तो हम अपनी शक्लें तक भूल चुके हैं, तो किसी और की शक्ल कहाँ याद रखेंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे। भाई तुम मुझे अपनी बहन ही समझो। हो सकता है शायद यहाँ के इंस्पेक्टर को पता हो, एक नंबर का ठरकी है वो। पांग खाया क्या रे, 20 साल पहले खोया था और आज ढूंढने को बोल रहा है? सटकेला खुद को मुगले आजम और
पुलिस को अनारकली समझ के लगाया गया। सुन, चकले पे जाके देख, हो सकता है वहां पे किसी कोठे पे मिल जाए तेरे को। रानी को नहीं देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। अरे दिमाग मत खराब करो यार, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो कुछ करने के लिए दे दो ना शायद। पहले से परेशान हो तो घर जाते हैं, मुझे छोड़ के मत जाओ, जाना पड़ेगा। नहीं पता सर पर लगी चोट को दिखाने आया है। हिंदी में बोल। एक भिखारी है सर, बहुत लोग मरे हैं, क्या तुम ब्लड डोनेट करना चाहोगे? करना चाहोगे क्या? आप ये साड़ी से मेरे हाथ क्यों बांध रहे हो? ताकि कोई तुझे ले ना जाए और हम अलग ना हो जाए। यकीन नहीं हो रहा एक भिखारी का दिमाग एक अरबपति के शरीर में। हमारी बात को सुनेगा ना ये? इसे प्यार से समझाएंगे, फिर विजय की सारी जायदाद लूटकर इसे ठोक डालेंगे। डॉक्टर, आप डॉक्टर ही है ना? मुझे क्या हुआ है, सच सच बताओ। शरीर में कैसा लग रहा है? शरीर? शरीर? ये शरीर मेरा नहीं है, मैं काला था। हे, दिमाग अच्छे से सेट हो गया, विजय आउट और सत्या इन है, अपना प्लान काम कर गया। उसे यहां लेके आओ, मैं उस पिचाईकरण यानी भिखारी से मिलना चाहता हूं। आदमी खजाने पे बैठा नाग जैसा है, उसका विश्वास जीतना होगा, वरना एक भीख मंगे से समझदारी की उम्मीद नहीं कर सकते, याद रखना। तेरा नाम क्या है? सत्या। तेरा गांव?
कोयम्बटूर। तुझे याद है तेरे सर पे चोट कैसे लगी? याद नहीं। बेहोश होने से पहले क्या हुआ था वो याद है तुझे? इतना याद है, हम पुल के नीचे सो रहे थे, वहां अचानक मच्छर मारने वाली दवा डाली गई, सड़क पे धुआं फैलने लगा, उसमें सांस लेने से चक्कर आने लगे और होश खोने लगा। फिर एक वैन में से वही डॉक्टर आया जिससे मैं सुबह मिला था। वो अपने साथ चार लोग लाया था। वो हंसते हुए मेरे पास आया। उसके बाद कुछ याद नहीं। तुझे एक नई जिंदगी मिली है, क्या कहते हैं तेरे शहर की जबान में, तू पिचाईकरण सत्या नहीं रहा, अब तू विजय गुरुमूर्ति, भारत का सातवां सबसे अमीर आदमी, 1,00,000 करोड़ का इकलौता वारिस, तू सब कुछ खरीद सकता है। हमने विजय गुरुमूर्ति को खत्म करके तुझ भिखारी का दिमाग विजय गुरुमूर्ति के शरीर में फिट कर डाला है, क्या समझा? लोगों को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, तुझे तो जीते जी इसी दुनिया में मिल गया, मगर स्वर्ग से स्वर्गवासी नहीं होना है तो हम जैसा कहेंगे करते जाना। कहते हैं ना, देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, अब हाथ फैला के मांगने के दिन गए तेरे। नहीं सर, ये मेरी मेहनत का पैसा नहीं है, ये तो छीनना हुआ, मुझे मेरा शरीर और दिमाग वापस कर दीजिए और जाने दीजिए। तेरी सर्जरी में पूरा 140 करोड़ लगा है। भिखारी, जब सड़क पे भीख मांगता था तो वो पैसा क्या तेरे बाप का था? कमर में कब से चुभ रही है, देखना क्या क्या लेके घूमना पड़ता है। पर तू डर मत, बंदूक के दम पे तुझसे कुछ नहीं करवाऊंगा, पर बंदूक का लोहा खून मांगता है और ये सालों से प्यासा है, बुझा दूं इसकी प्यास। एक बार में 2 गोली निकलेगी। सेमी ऑटोमेटिक बंदूक देखी है कभी? ऐसी नहीं देखी, पर बहुत बंदूकें देखी है। तूने देखी है कहां? जब मैं जेल गया था वहां देखी। जेल गया था, वहां किससे मिलने गया था? मिलने नहीं, कत्ल की सजा काटने। तू एक कातिल है। ये तो खून ही निकला। मुझे तो भिखारी बोला था। ए सुनना भाई, भिखारी था ना तू? बचपन में था सर, पर बचपन में मेरी बहन को मुझसे अलग करने के लिए जिसने मुझे झूठे केस में जेल में बंद करवाया था, जेल से निकलने के बाद उसका गला काट डाला। 1 महीने पहले ही सजा काट के निकला हूं, अब जो काम मिलता है वो कर लेता हूं। मेरी बहन को ढूंढने के लिए कोई नहीं माना, सिर्फ गरीब भिखारियों ने साथ दिया, इसलिए उन्हीं के बीच रहता हूं साहब। डॉक्टर, ये क्या लोचा है? गधे सब के सब, एक काम नहीं होता। विजय गुरुमूर्ति के शरीर में कातिल का दिमाग डाल दिया है हमने। गलती मेरी है जो इस पे भरोसा किया। इस डॉक्टर ने पूरा प्लान चौपट कर दिया, बिना अतीत जाने उसकी खोपड़ी खोल दी। अब क्या करूं बता, बेलगाम घोड़ा ये। इसको घास डालेंगे तो काबू में आ जाएगा। माया ऐसी चीज है जिसके सामने महापुरुषों की नियत भी डगमगा जाए। इस गरीब फटीचर को पैसों की लत लगाएंगे, अय्याशी की लत लगाएंगे, ऐसी लत जो कभी ना छूटे और वो नशेड़ी बन के हमारे तलवे ही चाटता रहेगा। इसे चेन्नई लेके चलो। इलेक्शन वोट खरीद के नहीं जीता हूं, अपनी जनता के हर एक इंसान का दिल जीता है तब जाके ये कुर्सी मिला है। मेरे लिए तो जनता ही मेरा भगवान है, मेरे को आप सब लोग अपना भगवान समझो। मालिक, गुरुमूर्ति साहब का निधन हो गया है। उसका जो पैसा बचा था वो दिया क्या मारा ना? हाँ, वो तो मिल गया। बहुत अच्छा आदमी था। भारत के जाने माने बिजनेसमैन गुरुमूर्ति का देहांत हो गया। काफी दिनों से अस्पताल में बीमारी से जूझ रहे थे। अब देखना यह है कि उनके बेटे विजय गुरुमूर्ति भारत के सातवें अमीर आदमी बने रहते हैं या फिर डगमगा के नीचे आते हैं।
यह है विजय गुरुमूर्ति का आलीशान बंगला। हमने तुझे जैसे सिखाया है वैसे ही सबसे पेश आना। चेन्नई ऑफिस जाने से पहले यहीं सबसे जान पहचान करवा देता हूं। ये गुरुमूर्ति विजय का बाप। मुंह लटका के रखना, सबको लगना चाहिए तो दुखी है। सबकी नजरें गिद्ध की तरह तुझ पे गड़ी होंगी। सिर्फ इशारों में जवाब देना, किसी से भी बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह कृष्णा अय्यर विजय के बाप का सेक्रेटरी है। यह 40 साल से इस कंपनी का वफादार रहा है। विजय, हेमा विजय से बहुत चिपकती थी, इसको मुंह मत लगाना। सर, हेमा मैडम। विजय, ये विजय की गर्लफ्रेंड हेमा सेक्रेटरी बन के लगी थी और सीधा बॉस को ही फंसा लिया। विजय को जितना करीब से ये जानती है उतना हम सब में से कोई भी नहीं जानता। तेरी सांसों से बता देगी तू नकली है, इसलिए दूर ही रहना। सॉरी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी ठीक हो जाएगा, जाओ। देख, विजय के रिश्तेदार यही हैं। अगर इन्हें तुझ पर शक नहीं हुआ तो किसी को नहीं होगा। इसीलिए अपने कदम फूंक फूंक के रखना, क्योंकि ये लोग मुझसे ज्यादा खतरनाक हैं। होशियार रहना। जिस साल में रखोगे रह लूंगी, मुझसे अलग मत हो भैया। अब तू विजय गुरुमूर्ति, भारत का सातवां सबसे अमीर आदमी। हमने विजय गुरुमूर्ति को खत्म करके तुझ भिखारी का दिमाग विजय गुरुमूर्ति के शरीर में फिट कर डाला है। मुझे अकेले अंदर जाना ठीक नहीं लग रहा, तुम भी चलो ना भाई। अरे समझ ना, बेचारा अपनी बहन को ढूंढ रहा था और उसके चक्कर में खुद ही गायब हो गया। तू जाके रिपोर्ट लिखा, मैं टपरी पे उधारी लिखता हूँ। जा जा, डर मत, मैं इधर ही रुका हूँ। ए भाई, एक कटिंग देना मलाई मार के और दो खारी जो खतनी होनी चाहिए। तो क्यों, पूरा पतीला भर के देता हूँ ना, उसमें हमको भी डुबा के खा जाओ। तेरा उधार दे दूंगा रे। ये आज जो तू लड़की लाया है वो इसी मेरे लिए भी लाएगा क्या? ना वो वैसी है ना, मैं ऐसा हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। उसका मुंह बोला भाई गायब हो गया, एक महीने से रिपोर्ट लिखवाने आ रही है। पूनम साहब आ रहे हैं, तुझे अंदर रुकने को बोला है। बेचारी आज फिर जलील होगी। सर किधर है, अंदर आ गया। अरे वाह पूनम, तू तो और खिल गई है। मेरा ऑफर अभी भी है, राज करेगी मेरे साथ राज। चल अभी मुद्दे पे आते हैं। वो भिखारी सत्या गायब है ना, पर तू उसे ढूंढने के लिए इतना काय को तड़प रही है रे? अगर घर घर खेलने का मन कर रहा तो आना मेरे साथ खेलना। हाँ, क्या किस्मत है उस सत्या के भी। कल से नहीं आऊंगी, बाबा को दिखना भी बंद हो गया है, मैं चलती हूँ। दुनिया में तेरा ख्याल रखने वाले दो ही आदमी है, उसमें से भी एक अंधा है और दूसरा लापता है। अपन से तेरा दुख देखा नहीं जाता है रे, अपन को तेरी मदद करने की है। चल ये ले पूनम, इसे रख। नहीं, मैं तेरा ही है। नहीं ले सकती। अरे रखना। सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ पेड़ पे उगती हैं क्या? पैसा तो आता जाता रहेगा, पर इसके आंखें गई तो वापस नहीं आएंगी। इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगी बेटा? देखो, अगर वक्त बर्बाद किया ना तो इसकी आंखें जाएंगी, अंधा हो जाएगा ये। क्या कर रहा है वो भिखारी? अरे नवाब की औलाद है, अपने कमरे में एसी में चील कर रहा होगा और क्या। पर ये हेमा दिमाग में घुस रही है, बार बार कॉल करती है, इसका कुछ करो। ए, वो क्यों फुला रखा है, देखा है इसको? ए, कान पे से हटा, तुझसे बात करनी है। बीवियों जैसा भाव खा रहा है, बहुत सर पे चढ़ गया है तू। हेडफोन कान में घुसा दूंगा। ए, बदतमीजी मत करो, एक मिनट हमारी बात सुनोगे प्लीज? कुछ खाया तुमने? आज जिनसे बात की उन्हें शक तो नहीं हुआ ना?
कोई ऐसी बात जो तुझे खटकी हो? नहीं, अब बस एक हफ्ते की बात है, उसके बाद तुम्हारे 1,000 करोड़ देकर तुम्हें आजाद कर दूंगा। फिर जब तुम्हारे पास 1,000 करोड़ होंगे ना, तो अमेरिका में जाके भीख भी मांग सकते हो। हे माँ, ये ले अरविंद। इसे ना किसी प्रोजेक्ट में उलझाकर दूर भेजना पड़ेगा, तभी मानेगी। लगता है इसका नंबर ब्लॉक करना पड़ेगा। हेमा, मेरी कोई गलती नहीं है, पर विजय ने ही कहा था कि उससे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। आई एम सॉरी। जो ये कह रहा है क्या वो सच है? तुम पहले तो इतने डरे हुए कभी नहीं रहते थे। रिश्ता नहीं रखना था तो मुझसे कहा क्यों नहीं? फोन क्यों काट रहे हो, और वो भी इस अरविंद के हाथों? तुम मेरे विजय नहीं हो सकते। बाय। अब बस एक बार शेख से मीटिंग हो जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। कंपनी के सारे शेयर्स शेख को ये कौड़ियों के भाव में बेचेगा। कल शेख से मीटिंग है, उसे तैयार रखना। ए डार्लिंग, तेरे लिए हीरो का हार ऑर्डर किया है। हाँ अमर। हाँ जी बाबूजी। सर ऑफिस आ रहे हैं, सबको रेडी रहने बोलो। सर आ रहे हैं? हाँ पाजी, सर आ रहे हैं। हमारे महंगे शेयर्स उस शेख को इतने सस्ते दाम में क्यों बेच रहे हैं? आपने विजय सर से पूछा? कैसे पूछूं? वो अरविंद उनके पास भी जाने नहीं देता। बड़े मालिक होते तो ये सब नहीं होता। उसके बाद तेरे लिए मैं लंदन में बंगला देख रहा हूँ। पुलिस स्टेशन। उसके बाद रिटायर हो के वहीं रहेंगे, और क्या, जलसा करेंगे। किधर जा रहा है? एक रुक। अरे वो गाड़ी का दरवाजा खोल के भाग गया। क्या? उसे कहीं से भी ढूंढ के ला। हाँ ठीक है, देखता हूँ। शेख के साथ पूरी सेटिंग हो चुकी है। इसी दिन के लिए हमने इतना बड़ा कांड किया, और तू बोल रहा है कि वो भाग गया? साहब, नमस्ते साहब, मुझे बड़े साहब से कुछ बात करनी है। सर आप यहाँ? एक सेकेंड रुकिए सर। ए, सर को कुर्सी दे, मैं अभी आया। सर, सर, सर बैठिए ना सर। नमस्ते सर। बड़ा आदमी है। अरे सर आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाता आपके पास। आपने आने की तकलीफ क्यों की सर? साहब मुझे कुछ बात करनी है, नाजुक मामला है, हम अंदर चल के बात कर सकते हैं। साहब बोलकर मुझे क्यों जूता मार रहे हैं सर? गोपाल बोलिए मुझे सर। आइए आइए सर, आइए ना आइए। साहब के लिए जल्दी वो झाग वाला कॉफी लेकर आओ। आइए सर, आपका ही पुलिस स्टेशन है। मैं चारबाग पुलिस स्टेशन से SI गणपत यादव बोल रहा हूँ। अभी अभी इस पुलिस स्टेशन में अरबपति श्री विजय गुरुमूर्ति आए हैं। साहब है? मैं आपका विजय गुरुमूर्ति नहीं हूँ, मेरा नाम सत्या है। मेरे दिमाग को विजय के शरीर में फिट कर दिया गया है, और उसकी जायदाद को लूटने का प्लान बनाया। सर बड़ा षड्यंत्र है, मुझे मचा लीजिए साहब। साहब फिर से समझाता हूँ, शरीर विजय मूर्ति का, दिमाग सत्या का, मैं सत्या हूँ सर। आपको यकीन नहीं तो सर पे देखिए, सर्जरी का निशान आपको दिखाई देगा, टाँकों के निशान है। मैं विजय गुरुमूर्ति नहीं हूँ, मैं सत्या हूँ। शरीर विजय गुरुमूर्ति पर दिमाग सत्या का, मेरी बात समझ रहे ना साहब? सर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ क्या सर? हाँ साहब। आप क्या यहाँ पर बोतल मार के आए क्या? आईजी सर का फोन है सर। मिस्टर गोपाल। यस सर। विजय सर का दुबई में एक्सीडेंट हुआ था, उनके सिर पर गहरी चोट आई थी। उसके 2 दिन बाद उनके पिता गुजर गए। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। प्यार से बात सुनो, उनकी खातिरदारी करो, और उन्हें कहीं जाने मत देना। जी सर। उनका फैमिली डॉक्टर और मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है? ओके सर। यस सर, थैंक यू सर। आप बोलिए सर। मैं विजय गुरुमूर्ति नहीं हूँ सर, मैं सत्या हूँ। उन्होंने मेरा दिमाग लिया और विजय के सर में डाल दिया। उन्होंने विजय की जायदाद को लूटने का बहुत बड़ा प्लान बनाया। मुझे उनसे बचा लीजिए साहब। नाश्ता चाय ले लेना, फिर बचा लूंगा। 401 झाग वाला कॉफी जल्दी लेके आना। आप शुरू रहिए सर। साहब मैं विजय गुरुमूर्ति नहीं हूँ, मेरा नाम सत्य है, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आज सुबह अरबपति विजय गुरुमूर्ति चारबाग पुलिस स्टेशन में अचानक आ गए, जिसकी वजह से पूरे शहर में हंगामा मच गया है। पुलिस ने बताया ना वो किसी की रिपोर्ट लिखवाने आए थे, ना ही किसी की कंप्लेंट करने। फिर वजह क्या थी?
आखिर उन्हें पुलिस स्टेशन क्यों जाना पड़ा? जरा संभल कर मारना, इसका यह शरीर हमारे लिए बहुत कीमती है। इसीलिए तो हल्के बांस से मार रहे, वरना गरम करके सड़िया चिपकाते, फिर चिल्लाता है मम्मी। ये ले, रख के दे। सब अच्छा चल रहा था, क्या जरूरत थी ये सब करने की? नसीब वालों को भी ऐसी जिंदगी नहीं मिलती। मुझे पैसा दौलत कुछ नहीं चाहिए साहब, मुझे सिर्फ अपनी बहन चाहिए। मुझे उसे ढूंढने के लिए जाने दो, आपका राज किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे जाने दो। अरे भैया, ओके भी छोकरियों को कोई ना कोई कंधा देने वाला मिल ही जाता है, तो उसकी टेंशन मत ले, उसके साथ कोई ना कोई चाई छप्पा चाई कर रहा हूँ। साहब, बहन की बेइज्जती नहीं। मैं तो डर गया, पैसा सब बर्बाद कर दिया, टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर दिया। ए डॉक्टर, गलती किया इस भिखारी पे भरोसा करके, दिन रात बहन बहन करता रहता है। मुझे भी गोली मार के तेरी बहन के पास ऊपर पहुंचा देंगे। इस भिखारी को लेके गलती कर दी, वो भिकमंगा हम सबको भिखारी बनाकर छोड़ेगा, देख लेना। अरे गलती इस डॉक्टर की है, सड़क से किसी को भी उठा के ले आया। हाँ, पहले उसका इंटरव्यू लेता ना मैं, मुझे रोक देते, मुंह में जबान नहीं है क्या? कीचड़ उछालना बंद करो, हम सब दलदल में फंसे हैं। हमने विजय के शरीर में एक भिखारी का दिमाग डाला है, हम सबको फांसी हो सकती है। उस डॉक्टर को बुला, सर्जरी दोबारा करेंगे। भिखारी, कौन सी डिग्री है तेरे पास? MBBS। और कोई? MD, MS। ये पढ़ाई अपनी, ये पढ़ाई किसके लिए की थी? जान बचाने के लिए या जान लेने के लिए? यही पेशा है जिसमें इंसान को भगवान की ताकत मिलती है। माफ कर दो, मैं बेहोश हो गया था। आज के बाद मैं सिर्फ लोगों की जान बचाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। और जिन्हें मार चुका उनका क्या? मैंने कुछ नहीं किया, सब उस अरविंद ने किया है। तू डॉक्टर है ना? अगर ये नस काटी तो जान निकलने में कितना समय लगेगा? सत्या, मुझे मत मार, मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा, बोल कितना चाहिए। फिर बीच में पैसा आ गया, तुम अमीर लोगों को अच्छे से जानता हूँ, जितना देते हैं उससे ज्यादा लेते हैं। मांग के तो देखो, जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम मुझे छोड़ दो। मुझे सत्या चाहिए, वो हाथ चाहिए जिसपे मेरी बहन का नाम लिखा था, मेरी खोई हुई पहचान चाहिए, मेरी आजादी चाहिए जहां मैं अपनी बहन को ढूंढ सकूं। दे पाएगा तू? बोलना, दे पाएगा? भिखारी, अपनी औकात में रह, ठोक दूंगा। मैं तेरे जैसा नहीं है, बंदूक दिखा के धमकाऊंगा नहीं, सीधा तानूंगा और चला दूंगा ऐसे। भिखारी गांडो थई गयो छे। Hey, 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 hey,
क्या खेल खेल रहे हो? कब तक परीक्षा लेते रहोगे? सही रास्ता दिखाइए, मुझे मेरी बहन को ढूंढना है, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं रानी को आपके भरोसे ढूंढने जा रहा हूं, मेरा साथ मत छोड़ना। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे बाबा। हाँ बस आ ही रहा हूँ, कुछ काम में फंसा हूँ यार। हाँ बस पहुँच। तू इसके साथ पिछले हफ्ते तो सब मैम साहब कह रही है 50 का नोट डालो, बात मत टालो। धन्यवाद साहब, आपके हैंडसमता का राज क्या है? सॉरी, शक्ल वरदान में मिली और अगले दान में भी नहीं मिली। खुश रहो। थैंक यू सर। तुम ये एक रोटी दोगे वो चीज बस पिज्जा देगा। सर उसने तेरे को 50 रुपए भी दिए, मेरे को तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं दिया। ये ठरकी लोग घरवाली के साथ पैसा बचाते और बाहर वाली के साथ छूट उड़ाते, इसलिए 50 दिया। मतलब उसकी बीबी नहीं थी की जासूस। चल चल निकल, नहीं तो हाथ उठाएगा। साहब कुछ पैसे तो गरीब की दुआ लगेगी। ओए आजकल कैश लेके कोई घूमता है क्या? साहब उसका भी जुगाड़ है साहब, ये लो स्कैन करो भेज दो, मैं जिम्मेदार भारतीय हूँ। खराब है ये लोग बैठे हैं। सुनिए भाई साहब, ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा। आवाज रिकॉर्ड करके भीख मांग रहा है। मुझे 1 रुपया देना है, तुम्हारे पास 19 रुपए हैं? कौन से जमाने में रहता है तू? आजकल 2 अक्की रोटी नहीं 2 अक्का पिज्जा लगता है। गरीब का कोई फोन भी जल्दी नहीं उठाता। हेलो खाना मिलेगा? पैसे देंगे तो। अबे ओ तेरे को कौन बोला मैं पैसे नहीं दूंगा? खुद तो भीख मांग रहे हो तो फिर बिल कहाँ से भरोगे? वो मैं नहीं, रेडियो है, सुनाई दे रहा है क्या? नहीं अब नहीं। ठीक है एक झींगा पुलाव, सालन और गुलाब जामुन फटाफट भेज दे। और कुछ चाहिए सर? हाँ चाहिए ना, ऐसी बीवी जो दिन रात खाना बना के खिलाए। क्या सर एड्रेस बोलो? एड्रेस चाहिए? आज कौन सा एड्रेस चिपका हूँ? लिख नया नगर 3री सड़क। क्या वहीं पे भेज दूँ? तेरे को लगता है मैं सड़क पे खाना लूंगा? मिनिस्टर कॉलोनी में मेरा बंगला है। आप मिनिस्टर हो? हाँ मिनिस्टर हूँ, जल्दी भेज। कहीं ये मिनिस्टर समझ के मेरे को लूटने तो नहीं आया? मेरे को देख के लोग डरते हैं, लेकिन इसे देख के मेरी फट रही है। इसको क्या मेरे साथ सेल्फी चाहिए क्या? हाँ? तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो। तुम्हारा नाम बाबू है ना? हाँ बाबू ही है। मैं सत्या का दोस्त हूँ, उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। पर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। वो मैं और सत्या साथ थे जेल में। ऐसे बोल रहा है जैसे कॉलेज में साथ थे। सत्या का दोस्त है ऐसा सीधा आके बोलने का ना, पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रहा है? वो बोलने से पहले तुम चले गए। अमेरिका चला गया था, आवाज लगाने का था ना। हैं बाबू बोल रहे हो? सर आपका ऑर्डर लाया हूँ पर दरवाजा तो बंद है। अरे वो मैं अपनी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज कराने गया था, पास में जो भी महंगी गाड़ी दिखे उधर टिक जा, मैं आता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। आज खाना 1/2 करना पड़ेगा। तूने अपना नाम नहीं बताया? सत्या। अच्छा तू भी सत्या है, इसका स्टाइल बहुत हार्ड है भाई। हेलो सर, एक ग्रे कलर की महंगी गाड़ी दिखी है। हाँ हाँ दिख गया तू, देख इधर हूँ मैं, आ रहा हूँ। वाह तुम लोग भी ऑर्डर करते हो? ए भूख अमीर गरीब सबको लगती है। पार्सल दे, ये ले इसमें टिप भी है, तेरे हक की कमाई। चल सत्या। वाह बाबूजी एक मदद करेंगे? बाबू तक ठीक है, आगे जी मत लगा, रिश्ता बदल जाएगा, बोल क्या चाहिए। रहने के लिए जगह नहीं है, आपके साथ रह सकता हूँ ताकि मैं आपके साथ मिलकर उसकी बहन को ढूंढ सकूं। सत्या, ए सत्या, कौन बोलता है अपने सर पर छत नहीं है, पूरा मेट्रो ट्रैक अपनी छत है, पसंद आया? यही तो मेरी पसंद है बाबू। क्या आज बड़े दिनों के बाद चैन की नींद सो पाऊंगा? ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने कहीं कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं ऐसा नहीं, इधर बहुत लोग सोते मगर कोई इसकी ऐसी तारीफ नहीं करता। आ जा। और तुम कहाँ पर सोगे? मैं हॉल में सोऊंगा, तू बेडरूम में सो जा, इधर ही सोऊंगा और किधर।
अच्छा, तेरे को सत्य ने सब कुछ बताया ना, फिर तो उसने एक जरूरी बात भी बताई होगी। कौन सी बात? कि उसने मुझसे 400 रुपए उधार लिए थे। नहीं बताया, पर मैं दे दूंगा। ये तो जल्दी मान गया, 800 बताना चाहिए था। अच्छा, सुबह ये लोग नया आदमी देखेंगे तो बहुत भड़केंगे। क्या बताओ, कौन है तू? कहा ना, खाना बदल। सही है, तेरे को सूट भी करेगा। ये बता, तूने पहचाना कैसे मैं बाबू हूँ? उसने कहा था कि गेंडे जैसा दिखता है। खुद भी तो जिराफ था। अच्छा, सत्या ने पूनम के बारे में बताया था, कहाँ है वो? होटल में काम करती है, आज उसकी नाइट ड्यूटी है। ड्यूटी? बहुत टेंशन में है वो, क्योंकि सत्या इतने दिनों से लापता है। हमने विजय गुरुमूर्ति को खत्म करके तुझ भिखारी का दिमाग विजय गुरुमूर्ति के शरीर में फिट कर डाला है। उसने बोला था ना वो यही मिलेगा। हाँ भाई, ढूंढो उसे। ए, मिला क्या? नहीं भाई। ए, चल उठ, उठ बे। ए, वहाँ पे देख, वो है क्या? चल उठ। क्या है बे? उसने तो बोला था यही मिलेगा। उठ बेटा, वो आ गए। चल जल्दी, बहुत भगा है इसने। पकड़ इसको। किधर भाग के जा रहे हो? हाँ, ए, बिना कर्जा चुकाए भागेगा? हमारे पास पैसे नहीं है, हमें माफ कर दीजिए, रहम कीजिए। इतनी नियत कर्जा लेके भागने की नहीं थी, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, छोड़ दो। इसने कहा ना, तेरी पाई पाई लौटा देगी ये। एक असली मर्द कभी औरत पर हाथ नहीं उठाता। छुट्टा है किसी के पास? ए, चिल्लर निकाल और मार इस भिखारी के मुंह पे। पैसा ले और निकल। मेरे मैटर में अगर तूने टांग अड़ाया ना, लिट्टा लिट्टा के मारूंगा। निकल, चल। ए भिखारी, हीरो वाला लुक देता है, तू चुकाएगा क्या इसका कर्जा? फटीचर कहीं का, निकल। बड़ा ज्ञान बांट रहा है। अबे सुन, आखिरी बार बोल रहा हूँ, कल तक पैसे नहीं दिए ना, तुम दोनों की वाट लगेगी। इधर ही गार्ड डालेंगे। आओ बच्चा, सही समय पर आए हो। मैं जानता हूं तुम कौन हो बच्चा, बैठ जाओ। तुम्हें कौन सी चिंता खाए जा रही है? मेरी छोटी बहन रानी बचपन में मुझसे अलग हो गई, उसे ढूंढ रहा हूं। इस संसार में ऐसी लाखों बच्चियां होंगी जो बेघर होकर यहां वहां ठोकरे खा रही होंगी, तुम्हें उनकी तो बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। तू अपनी बहन को ढूंढता रहा लेकिन नहीं मिली, लेकिन लक्ष्मी स्वयं चल के तेरे पास आ गई। तू साधारण मनुष्य नहीं है, तुझ पर देवों का हाथ है। तुझे धरती पर बेसहारों का सहारा बनने के लिए ही भेजा गया है। अगर तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचोगे तो इनके बारे में कौन सोचेगा? कितनी रानियां होंगी जिन्हें सत्या जैसे भाई की आवश्यकता होगी। जानता है, जब तू किसी का दर्द देखता है तो तेरी आंखें क्यों भर आती हैं? क्योंकि तू उनके दर्द को समझ सकता है। ये वो वरदान है जो कलयुग में कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है। तू उनमें से एक है बच्चा। इनकी बिगड़ी तू ही बना सकता है। ऐसा परिवर्तन ला कि गरीबों को पैर की जूती समझने वाले अमीर तुझे देखकर अपना मुंह छिपाते फिरे। तू सबको दिखा सकता है कि जब भगवान किसी को बहुत धनी बनाता है तब उसे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जा बच्चा। अच्छे कर्म कर, अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे। जा, मनुष्य अपनी हैसियत के बावजूद कर्म के अधीन है। अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे। उठो, चलो, ए, पीछे उठो, चलो, जाए यहाँ से, चलो। भैया, मैं भी तो आपकी बहन रानी जैसी हूँ ना। तुम दोनों मेरे लिए एक जैसी ही हो।
भूले मेरी बच्ची, तेरी ये हालत देखने से तो अच्छा होता मैं अंधा ही हो जाता मेरी बच्ची। सर कोई भिखारन थी, बहुत बुरे हाल में है सर, बॉडी पर इतने जख्म है कि देखा नहीं जा रहा सर। ए हटा सबको, चलो हटो हटो। कोई सबूत तो नहीं छोड़े? एक लड़के का फोन रह गया। वो किधर है? गोडाउन में साहब। कांड वहीं पे किया था? हाँ साहब। और रोके सब के सब जाके फोन ढूंढो। किधर है? क्यों बे बहुत गर्मी चढ़ी है, उसे भेड़िए की तरह नोच डाला। अरे तो डरता काहे को है, उस हसीना को देख के छोकरे लोग जवानी के जोश में थोड़ा बह गए। अरे किसको मालूम था कि वो मर जाएगी, सब अपने ही पंटर हैं, बात को दबा दे रहे। काम होने के बाद जिंदा छोड़ते तो बात दबा देता मैं, पर इन पंटर लोग ने बात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अरे सीधी बात कर ज्ञान मत दे, अगर तेरे बस की बात नहीं तो बोलना, अपने मेले से बात करेगा। अरे भाई इस मामले में पब्लिक का बहुत प्रेशर है, इसलिए पैसा ज्यादा लगेगा। तो ऐसा बोलना, चल बोल कितना मांगता है। 10 लाख मेरे घर भिजवा दो, मैं अफवाह फैला दूंगा कि उस भिखारन का कत्ल नहीं हुआ है, उसका एक आशिक था जो भाग गया, इसके लिए उसने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी और केस क्लोज। हाँ सर, यही चाहिए अपने लड़के का फोन। चाहिए उस लड़के के हत्यारे, उनका क्या करने का है पुलिस देखेगी। तू पुलिस वाला नहीं दलाल है। अबे तेरी तो ओ, 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 अपन से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, अपन लग सब नशे में था, अपन को पता नहीं था कि वो टपक जाएगी। जितना खर्चा पानी बोलोगे देगा, पर ये वीडियो किसी को मत दिखाना। पैसा खिलाएगा, लड़कियों को अपने बाप की जागीर समझता है हा? तुम सबको बीच चौराहे पर खड़ा करके पत्थरों से मार देना चाहिए, जानवरों से भी बदतर है ये। ए, लॉकर में डाल इन सबको। ठीक है सर। ए, चलो चलो उठो अंदर चलो। तुम में से पढ़ा लेगा कौन है सर? अच्छा तुम एक एप्लीकेशन लिखो, उसमें अपना नाम पता नंबर और पूरी अर्जी लिखना। जी सर। मैं कार्रवाई करता हूँ। सुन पांडे। हाँ सर। इन दरिंदों से कोई मिलने आना नहीं चाहिए। ठीक है सर। जी बोली सर। कान खोल के सुन, ये सब अपने भाई के पंटर लोग हैं, इनके खिलाफ कंप्लेन मत लिखना, पुलिस स्टेशन आते होंगे तेरे को खर्चा पानी देंगे। उन भिखारी लोग को वहां से रफा दफा कर, समझा? हाँ मैं समझ गया सर। सुन बड़े साहब आज नहीं आने वाले, तो ये अर्जी बाद में लिखना, अब अपनी टोली को लेकर यहाँ से कल्टी मार, चल बाहर निकल। सर, बस लिख ही लिया साहब। ए तेरे भेजे में सीधे सीधे बात नहीं जा रही क्या, चल निकल कल आना। सर कार्यवाही में देरी हो जाएगी। ए, अभी मुझे कानून सिखाएगा। ए निकालो इनको, चल निकल यहाँ से, चल सबको अंदर कर दूंगा, चल निकल। छोकरा लोग अंदर आए। ए, ए, पुलिस वालों दिन भर गए क्या? नहीं उसको। हाँ छोकरा लोग को अंदर कैसे डाला? है किधर? मैंने किसके हाथ में है?
फिर भी छोकरे लोग को अंदर डाल दिया? नौकरी से प्यार नहीं है क्या? गलती हो गई सर, पता नहीं था ये कौन लोग हैं। अब मुझे बंद तो करना ही पड़ता है ना सर, इनके पास उनकी गवाही का वीडियो है। ये अपन के पास भी एक मर्डर का वीडियो है तो कंप्यूटर से उस पर तेरा चेहरा चिपका डालूं क्या? जिसने वीडियो बनाया उसको लेके अपन के सामने। इनके सामने ऐसी बातें मत कीजिए, वीडियो वायरल कर देंगे। आप बैठिए ना, मैं करता हूँ। हाथ से धक्के मत मारो, डंडे मारो इन पर। अरे कुछ नहीं भाई, छोटा सा लफड़ा संभाल लेगा अपन। मुझे छोड़ के मत जाओ भैया। रानी तुम पढ़ लिख के बहुत बड़ी कलेक्टर बन जाना। जा बच्चा, जा जा बच्चा जा, अच्छे कर्म कर। अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे। हम लोग कौन है तुझे याद दिलाए क्या? भूल गया क्या तू? यहाँ कौन क्या है मैं सब जानता हूँ। 5 मिनट में स्टेशन खाली नहीं किया ना तो एक एक को लॉकअप में डाल दूंगा। अबे तू पागल हो गया, किसके दम पे इतना कूद रहा है? किसका फोन आया तुझे? सीएम का। कोई तेरा भी बाप निकला? अपन का भी बाप? एक बात कहनी थी साहब। बोलिए ना। मैं ये समझ सकता हूं कि आप जनता और मंत्रियों के बीच में पिसते रहते हैं, पर इस कानून के ऊपर भी एक कानून है, इंसानियत का कानून। वो कैसे भूल गए आप? गरीबों की सुनने नहीं है तो बंद कर दो रखवाला बनने का ये नाटक। कम से कम वो झूठी उम्मीद पर तो नहीं छेंगे। 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है इनके पास। आप लोग मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप हैं कौन? भिखारी हूं साहब। आपने जो हेलीकॉप्टर खरीदा था वो 2 हफ्ते पहले ही आ चुका है, ऊपर टेरेस पर है। 2 घंटे में हेलीकॉप्टर आपको तिरुपति ले जाएगा दर्शन के लिए, वीआईपी दर्शन। लाइन में धक्के खाए बिना सीधा मंदिर जाइए दर्शन करने के लिए। अब इनका मूड ठीक नहीं लग रहा। ये प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है?
आप जो चाहे वो हो सकता है सर। अरविंद ने कल से कॉल नहीं किया, तुमसे बात हुई? नहीं सर, और हमने उनको फोन करके देखा तो उनका फोन स्विच ऑफ था। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें 3 घंटे में मुझसे मिलने बुलाओ। अरविंद और ऑडिटर एल्विन को भी किसी भी तरीके से कॉन्टेक्ट करो। अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर। मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी इतनी बड़ी मीटिंग क्यों रखी है? मुद्दा क्या है? लोगों की नौकरियां तो नहीं छीनने वाला? गुरु मूर्ति सर के मरने के बाद विजय बिल्कुल बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या हुआ, अचानक क्यों बुलाया? पता नहीं कौन सा बम गिराने वाला है, ये तो विजय ही जाने। क्यों, किसी ने मेरी शिकायत की है क्या? अरे सिर्फ तुम्हें नहीं, हर डिपार्टमेंट से सबको यहाँ बुलाया है। जल्दी आओ। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। लीजिए सर। मैं जब भी साहब को गुड मॉर्निंग बोलता था ना तो वो बिना जवाब दिए ही चले जाते थे, और आज सुबह सर हमको गुड मॉर्निंग बोल कर गए, पता नहीं कहाँ है सर। रिश्ता नहीं रखना था तो मुझसे कहा क्यों नहीं? तुम पहले तो इतने डरे हुए कभी नहीं रहते थे, तुम मेरे विजय नहीं हो सकते। बाय। हेलो। आज दोपहर को 2 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी है, आप भी आइएगा। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करते थे। वो दुबई में जो सर पे चोट लगी थी उसके बाद से सब अजीब लग रहा है, कुछ यादें तक मिट चुकी हैं, इसलिए आजकल सबको ऐसा लगने लगा है कि मैं बदल चुका हूँ। मेरा इलाज चल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र रखो, मैं पहले जैसा बन जाऊंगा। गलती से भी मत बनना, तुम बस ऐसे ही रहो, मुझे ये वाला विजय पसंद है। आप सभी का स्वागत है, आप सबसे मैं कई दिनों बाद मिल रहा हूँ। सब कुछ नया सा लग रहा है, मुझे तो मेरी जिंदगी भी नहीं सी लग रही है। मेरे पिता की मौत के बाद मेरी पूरी दुनिया एकदम बदल सी गई है। कृष्णा जी। जी सर। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? स्वस्थ पौष्टिक खाना, सुकून भरी नींद और एक खूबसूरत साथी मिल जाए तो जिंदगी का सफर और सुहाना हो जाता है। अच्छा मान लीजिए कि मेरी शादी हो गई और मेरे 2 बच्चे हैं, तो कितने पैसे में मेरा घर अच्छे से चल जाएगा? सारी सुख सुविधाओं के साथ 80,000 काफी होंगे। मतलब साल के कितने? 10 लाख सर। और मेरे पास कितना पैसा है? 1,00,000 करोड़ है सर। इस 1,00,000 करोड़ के साथ कितने साल तक मैं बिना कुछ कमाए अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल सकता हूँ, हिसाब करके बताएंगे जरा? बाप रे, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, 1 मिनट। 10 लाख तक सर। 10 लाख साल तक। मेरे पिता की मौत किस उम्र में हुई? वो 65 साल के थे। 1,00,000 करोड़ रुपए होते हुए भी दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दवा मशीन या कोई भी ताकत मेरे पिताजी को 1 दिन एक्स्ट्रा नहीं दे पाया। कोई भी इन पैसों से आधा दिन भी नहीं खरीद सकता। अगर ऐसा होता तो अमीर कभी मरते ही नहीं। मरते क्या? नहीं सर। 100 करोड़ में मेरी आने वाली 3 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, बाकी के पैसे की तो जरूरत ही नहीं। कृष्णा जी। जी सर। ये देखिए, हमारे आजाद भारत में कितने लोगों को 3 वक्त का खाना नहीं मिलता? करीब 20 करोड़ लोगों को। भुखमरी से कितने मरते हैं? रोज तकरीबन 7,500 लोग सर। मुझ जैसे अमीर लोग इनकी मदद कभी क्यों नहीं करते? एक तरफ फुटपाथ पर कोई भूखा मर रहा होता है और सामने से 20-25 लाख की गाड़ियां जा रही होती हैं। हम दिल बड़ा करें तो सबको रोटी मिल सकती है। मैं 1,00,000 करोड़ का मालिक हूँ, क्या मैं इन लोगों की जरा सी भी मदद नहीं कर सकता? इसलिए मेरा जो हिसाब के बाहर पैसा है उसे मैं खुद पर नहीं गरीबों पर खर्च करूंगा। मैं एक चीज में बहुत विश्वास रखता हूँ, भलाई करो तो उस भलाई का सिला हमें डबल भलाई से मिलेगा। इंसान अपनी हैसियत से नहीं कर्मों से बड़ा होता है, पिताजी भी हमेशा से यही सिखाते आए हैं। आज से बीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज देश के हर गरीब का सहारा बनेगी। हम बिना कोई मुनाफा रखे मिडिल क्लास परिवारों को कम से कम दामों पे पक्के घर बनाकर देंगे। MRP की आड़ में गरीबों को लूटेंगे नहीं बल्कि सब सस्ते में देंगे। भारत में ना कोई भीख मांगेगा और ना ही भूख से मरेगा। पूरे देश में मुफ्त खाना बांटने का इंतजाम करो। ये सब हम कब शुरू कर सकते हैं? अगले साल तक शुरू कर देंगे सर। आपको जाकर कहीं पुल बनाना है, भूखों तक खाना पहुंचाना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है।
इस काम में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। निजी फायदे के लिए पावर का इस्तेमाल तो करते हैं, अच्छे काम के लिए भी करके देखते हैं। अब खाना बांटना अगले हफ्ते से शुरू कर सकते हैं और बाकी सारे काम अगले महीने से। थैंक यू। ये सर को क्या हो गया है? कॉस्ट कटिंग की बातें करने वाला दान धर्म की बातें कर रहा है। वो देखो सर, दाएं हाथ से साइन कर रहे हैं। तो हमेशा बाएं हाथ से साइन किया करते थे। जा बच्चा, अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे। बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि वो गरीबों के लिए एक नई योजना लाए हैं, उसे एंटी बिकली के नाम से शुरू करेंगे, जिसके अंदर गरीबों को बहुत ही कम दाम में सामान मिलेगा। जबकि किसी भी भाषा के शब्दकोश में एंटी बिकली का कोई अर्थ नहीं है, पर ये रहस्यमय नाम उम्मीद के किरण से भरपूर है। आइए अब उन घरेलू चीजों के सामान की लिस्ट को देखें जिन्हें ये बहुत ही कम दामों पर बेचने वाले हैं। 3 रुपए में साबुन, 7 रुपए में पेस्ट और ब्रश, 9 रुपए में 1 किलोग्राम अच्छी गुणवत्ता वाले चावल, 10 रुपए में रोजाना की सब्जियां, 12 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी, 20 रुपए में 1 लीटर दूध, 30 रुपए किलो तूर दाल, 40 रुपए में 1 लीटर पकाने का तेल, 15 रुपए में चप्पल, आसान किस्तों वाला 23,000 का घर। आइए अब हमारे रिपोर्टर से इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। विजय गुरुमूर्ति के एंटी बिकली के बारे में लोगों की राय बताइए। बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति ने एक बहुत ही सनसनीखेज घोषणा की है कि वो गरीबों के लिए एक नई योजना लाए हैं और उसे एंटी बिकली के नाम से शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत गरीबों को दिमाग चकराने वाले दर पर सामान बेचा जाएगा। जबकि किसी भी भाषा के शब्दकोश में एंटी बिकली का कोई अर्थ नहीं है, पर ये रहस्यमय नाम उम्मीद की किरण से भरपूर है। आइए उन घरेलू सामानों का भाव देखें जिन्हें उन्होंने बेचने की योजना बनाई है। क्या बात है बेटी, ऐसे चुपचाप क्यों हो? आपसे बात करनी है, थोड़ी देर बैठिए ना। विजय पहले जैसा नहीं लगता माँ, उसका उठना बैठना सब कुछ बदल गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? विजय गुरुमूर्ति ने कसम खाई है कि भारत में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। कोई बात नहीं, कोई तो पैसे वाला हम गरीबों का दर्द समझ रहा है। अगर सच में उस देवता ने 23,000 में घर दे दिया ना, तो बारिश में हमारे बच्चों को भी छत नसीब होगी। जब एक ही अमीर आदमी इतना सब कुछ कर सकता है, तो सभी अमीर आदमी ऐसा करेंगे तो देश से गरीबी दूर हो जाएगी ना। ये विजय गुरुमूर्ति पर कौन सा भूत सवार है? एंटी बिकली योजना मार्केट में आ गई तो लोगों के धंधे ठप हो जाएंगे। महंगाई ही तो हमारा वो हथियार है जो उन्हें गरीब और हमें अमीर बनाता है। खाना, कपड़ा, दवाइयाँ, अब बस खम्बा सस्ता करना वजह। घर भी सिर्फ 23,000 में देने वाला है। हाय सर, आपने जैसे कहा था उसी हिसाब से हमने कम बजट वाला घर बनाया है। 10x6 का हॉल और 10x6 का बेडरूम है सर। इस घर में एक परिवार आराम से रह सकता है। सर थोड़ा बिजी है, भेज दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। आपने बताया नहीं कि सेठ जी मिलने आए हैं। इनसे पहले आए 3 सेठ भी बाहर बैठे हैं। पहले की मीटिंग चल रही है, सॉरी आपको वेट करना पड़ रहा है, बॉस जरूरी मीटिंग में बिजी है। कोई बात नहीं साईं, हम छोटे लोग हैं ना, हमसे कोई बड़े लोग अंदर बैठे होंगे। कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। आप सब में से कोई भी अपाहिज नहीं है, काम नहीं मिलता इसलिए भीख मांगते हो, पर अब मैं आप सबको काम दूंगा। जानवरों तक को रहने के लिए घर चाहिए होता है, आप तो इंसान हैं, आपके लिए घर का इंतजाम होगा। एक सवाल है मेरा, तुम जो दे रहे हो उसे हम क्या समझे? ये घर और नौकरी भी तो तुम भीख में दे रहे हो, हमें कौन सा हुनर है एक दिन उठा के फेंक दोगे? मेरे होते ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसमें जो काबिलियत है उसके हिसाब से काम देंगे, तुम हक का कमाओ। ये सुड़सुड़ बंद करना बे, जूस को चूस के पीना किधर सीखा, चूसिया भिखारी कहीं का। सारे काम टाइम पे हो जाए सर। एक मिनट सुनिए सर, अरविंद के भाई का फोन आया था, उसने कहा कि अरविंद शिवा और प्रवीण के साथ दुबई गया था, पर काफी दिनों से उसका फोन नॉट रीचेबल है।
शेख ने भी उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिल रहा है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल, सर ने बुलाया है मुझे। सर, असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल आए हैं आपसे मिलने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल? वो कह रहे हैं कि आपने ही उन्हें बुलाया है। अरे अरे सर, आप सर्जरी का निशान आपको दिखाई देगा सर। सर नमस्ते, मैं असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल, यहीं से गुजर रहा था। रास्ते में आपका घर देखा तो मैंने सोचा चलो मिलता चलूं। आपका घर तो बिल्कुल महल जैसा लगता है सर, सच में आप जैसे लोग हैं इस जमाने के असली बादशाह। बैठिए। सॉरी सर, मैं झूठ बोलकर अंदर आया। कोई बात नहीं, बैठिए। और आप कैसे हैं सर, शिवा और अरविंद कैसे हैं? सब ठीक है सर, आप? अरे हम जैसे लोग ऊपर वाले की कृपा से कम और आप जैसों की कृपा से ज्यादा ठीक रहते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है सर? अब ठीक है, वो दुबई में एक्सीडेंट हुआ था और एक छोटी सी सर्जरी भी हुई थी, ऊपर से उसी वक्त डैड चल बसे। मेरा दिमाग ये सदमे को झेल नहीं पाया, मैं की बहकी सी बातें करता था जिनका कोई सर पैर नहीं। आपसे भी की थी ना? हाँ की थी ना, जरूरत से ज्यादा बहकी बातें की थी सर। आप घबराए हुए पुलिस स्टेशन आए, कहने लगे मैं विजय नहीं हूँ, मैं सत्या हूँ, और फिर अपनी कहानी सुनाने लगे। आपको पता है एक सत्य असली में है सर, यहाँ बस्ती में ही रहता था। कितना अजीब इत्तेफाक है। सच में? हाँ हाँ, यकीन नहीं होता। जब मुझे नहीं हुआ तो आपको यकीन कैसे हो सकता है? आपने जैसा बताया था सत्या भी एक गरीब खाना बदोश निकला सर, ये एक्सीडेंट से आप अंतर्यामी कैसे बन गए? ऐसा नहीं है पर पता नहीं मेरे दिमाग। मैं आपकी चोट देख सकता हूँ सर? जरूर। ढक्कन की तरह बंद किया है। आप तो बोले छोटी सी सर्जरी थी, टांके देख के तो लगता है जैसा पूरा दिमाग ही बदल डाला हो। चलो मुद्दे पे आता हूँ, अपने बैंक से 20 करोड़ लोन के शक्ल में दिलवा दो ना सर। और हाँ, पर्सनल लोन, किसी को शक नहीं होगा, बस आप कह दो तो काम बन जाएगा। सॉरी सर, गलत काम मुझसे नहीं होगा, कोई और मदद है तो बताइए। आप अच्छे पुलिस वाले हैं, बुराई को मत चुनिए, ये रास्ता डुबो देता है। अच्छाई और बुराई का हिसाब बाद में करेंगे, मैं आपके राज को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। विजय गुरुमूर्ति के शरीर में सत्या भिखारी का दिमाग, क्या करें, पैसा चीज ही है इससे सत्या सर, जितना खाओ भूख उतनी बढ़ती जाती है। आपके लापता दोस्तों के मोबाइल बंद पड़े हैं, उन तीनों को कल पुलिस स्टेशन लेकर आओ, या फिर इशारा समझ गए ना। मालिक, विजय गुरुमूर्ति का कारनामा सुना? हाँ। उसने एक योजना बनाई है, उसका नाम है एंटी बिकली योजना। उसमें वो गरीबों को मुफ्त खाना, सस्ता राशन और सस्ता घर भी देने वाला है। तो कारण नहीं देना है? मालिक आप समझ नहीं रहे हैं, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो हमारी पार्टी कैसे चलेगी? कल के दिन अगर उसने अपनी पार्टी शुरू की तो हमारा क्या होगा मालिक? लोग उसे ही वोट देंगे, वो तो बन जाएगा हीरो और आप जीरो। आज यहां पे मौजूद सारे गरीब भाई बहनों का हमारे इस एंटी बिकली परिवार में स्वागत है। एक अमीर आदमी गरीब को अचानक अपना समझ रहा है, एंटी बिकली कर रहा है। आखिर क्या है ये एंटी बिकली, कौन है ये बिकली? इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको दूंगा। बिकली, बिकली नाम मैंने उन लोगों का रखा है जो धन की लालच में दूसरों का फायदा उठाते हैं। अब कौन होते हैं ये लालच में अंधे लोग, इन्हें कैसे पहचाने, और क्यों मैं इन लोगों को बिकली कह रहा हूं, लालची इंसान नहीं, ये सोचने वाली बात है। वजह यह है कि इस शब्द का मतलब आपको किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगा।
उन्हें चोर बेईमान ऐसे नाम भी दे सकता था, पर ये घिस चुके हैं। इनका अब असर ही खत्म हो चुका है। उल्टा ये उन्हें उनकी तारीफ लगती है। उनके लिए एक नया नाम चाहिए, बिक्किली। जो भी इनके खिलाफ खड़ा होगा कहलाएगा एंटी बिक्किली। एंटी बिक्किली एक जंग है, जैसी आतंकवाद के खिलाफ होती है, हिंसा के खिलाफ होती है। ये इंसाफ और हक मांगने की जंग है। दुनिया में कितना कुछ बदल गया है, लेकिन गरीबी जहां थी वही है। एक गरीब पैदा भी गरीब होता है और एक दिन मरता भी गरीब है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? दिन रात मेहनत करने के बाद जो मिलता है उससे गुजारा तक नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक गरीब को गरीबी में रखना ही बिक्किली की अमीरी का राज है, और उसका हथियार भी। आज की इस एंटी बिक्किली सभा को मैं उन्हें समर्पित करना चाहता हूं जो नाइंसाफी का शिकार होती रहती हैं, यानी पूनम जैसी गरीब लड़कियां। उन सभी गरीब लड़कियों की कहानी है जिन्हें पेट पालने के लिए जिस्म बेचने पे मजबूर किया गया, नहीं तो मार दिया गया। हर रोज इस दुनिया में ऐसी कितनी बेटियां इन हालातों का सामना करके दम तोड़ देती होंगी। वो लोग जो अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा दबा के बैठे हैं, यानी मुझ जैसे लोग गरीबी को बढ़ाते हैं। इस दुनिया के जो 1% रईस लोग हैं वही इस गरीबी की असली वजह है। एक और बात सुनिए, हर अमीर आदमी बिक्किली नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी जेब भरने के लिए किसी और की गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाए तो वो है असली बिक्किली। मिसाल के तौर पे, जब लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जिन लोगों ने ऑक्सीजन के दाम बढ़ाए, मास्क के, अस्पताल के, इलाज के, दवाइयों के डर के नाम पे कमाने वाले, वो थे बिक्किली। अपने दोस्त या रिश्तेदार के मुश्किल वक्त में उसकी चीजों को मदद के नाम पे कोड़ियों के भाव खरीदने वाला है एक बिक्किली। बीमार पति की बेचारी परेशान पत्नियों का, मरते बाप की मजबूर बेटियों का, बच्चों का इलाज के पैसे मांगने वाली लाचार माओं का मदद के बदले जो लोग शोषण करते हैं, वो है बिक्किली। लाखों गरीबों की जिंदगी मौत से बदतर इसलिए बनी हुई है क्योंकि उनका हक उन्हें दिया नहीं जा रहा। गरीबी उन पे थोपी जा रही है। आज से गरीबों का पैसा खा के, उनका आराम छीन के आलीशान जिंदगी जीने वाले को बिक्किली कहेंगे। एंटी बिक्किली में आपको मिलेगा बढ़िया राशन, रहने का घर, अच्छे कपड़े, साबुन, तेल, जूते, चप्पल, स्कूल की किताबें और हर इलाज की सारी दवाइयां। और ये सब टॉप क्वालिटी का होगा। एंटी बिक्किली का एक ही लक्ष्य है, दुनिया से भुखमरी और गरीबी को दूर करना। अब से कोई अमीर गरीब को रौंद नहीं पाएगा, क्योंकि अब तक गरीब बेसहारा था, पर अब उनके पास बचने का कवच है एंटी बिक्किली। इस वक्त से एंटी बिक्किली गरीबों के लिए हमेशा उपलब्ध है। धन्यवाद। चेन्नई के लिए रवाना हुई एक विदेशी फ्लाइट समुद्र के बीच में दुर्घटना का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से देश की जनता हिली हुई है। रेस्क्यू टीमें जहाजों और हेलीकॉप्टरों से लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं।
सर दुबई से आने वाली फ्लाइट क्रैश हो गई है, हर न्यूज चैनल पे यही खबर है सर। उसमें हमारा पार्टनर शेख भी था, और जानते हैं प्लेन कहाँ जाके गिरा है? आपके बीच हाउस के ठीक सामने समंदर में। थोड़ा और आगे जाके गिरता ना तो शायद बीच हाउस तबाह कर देता सर। दुबई से चेन्नई जाने वाला जहाज इंजन फेल हो जाने की वजह से समुद्र में गिर गया। इस विमान में 160 यात्री सवार थे, जिनमें से 120 यात्रियों को बचा लिया गया है, पर 20 लोगों की जान चली गई है। कैमरामैन कार्तिक के साथ आगरम वेंकट। बोलो इंस्पेक्टर, रिपोर्ट से क्या पता चला? 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया सर, मंत्री जी को भी बचा लिया। 30 लोग मारे गए और 15 की हालत नाजुक है, पर हैरानी की बात यह है कि मरने वालों में से 3 लोगों के शरीर के अंदर गोलियां थी और बॉडी बाकियों से ज्यादा सड़ी हुई है। वो उस प्लेन के यात्री भी नहीं थे, लगता है 10 दिन पहले किसी ने मार के उन्हें वहां फेंका था, क्योंकि लाशों के पैरों में भारी भारी डंबल बंधे हुए थे सर। गन से गोली चली, पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ब्रेकिंग न्यूज, अभी मिली सूचना के मुताबिक पुलिस ने पहचान लिया है कि प्लेन क्रैश दुर्घटना में मिली लाशें किसकी थीं। विजय गुरु मूर्ति के करीबी सहायक अरविंद, उनके परिवार के सालों पुराने डॉक्टर शिवा और उनकी कंपनी के वफादार ऑडिटर प्रवीण थे। कोई नहीं जानता कि ये लाशें वहां कैसे पहुंची। इस खौफनाक हत्या के पीछे जो भी जिम्मेदार है उसे ढूंढने के लिए तमिलनाडु पुलिस ने खास टीम तैयार की है। सर सुनकर हैरानी होगी, लेकिन विजय गुरुमूर्ति के शरीर में कोई सर्जरी से एक भिखारी सत्या का दिमाग फिट कर दिया गया है। वो भिखारी सत्या 55 से अपनी किसी बहन रानी को ढूंढ रहा है। कंपनी के सिर्फ कर्मचारी नहीं, कंपनी के मजबूत स्तंभ थे। इन तीनों के दूर जाने का दुख मेरे पापा को खोने के दुख से भी बढ़कर है। आज इन तीनों नेक फरिश्तों की आत्मा की शांति के लिए मैं चाहूंगा आप सब खड़े होकर 3 मिनट का मौन धारण करें। पाल जी, बहुत दिनों से ये शाना लोगों का मसीहा बना बैठा है, तभी से मेरे को शक था। जिनका बॉडी मिला ना, वो लोग बहुत खतरनाक थे। सोचो जो उनको मारा वो कितना डेंजर होएगा। पर एक किस्मत का खेल देखो, प्लेन क्रैश ने पिक्चर क्लियर कर दिया। इसको बोलता है कर्मों का फल। अभी तू बाहर जा गोपाल, मैं बुलाता है। सर। सुन, तू इधर आराम से बैठा है क्योंकि इस ठुल्ले ने मेरे को तेरी असलियत बताया। ये अपोजिशन के बाद चला जाता तो तेरे को मालूम तेरा क्या हाल होता। लेकिन इसकी फिक्र मत करना, तू बोल, गोपाल को मरवा देगा मैं। तू जनता का मदद करने का, उनका हीरो बनने का, पर अकेला नहीं, हमारा पार्टी में आके बस, कोई छुएगा नहीं तेरे को। विजय का जायदाद का बंटवारा आपस में बाद में कर लेंगे। बेईमानी तो ईमानदारी से करो, जिसने आप पर भरोसा किया उसे मरवा देंगे? पैसा आपस में नहीं, गरीबों में ही बांटूंगा। भूख से बिलखना क्या होता है या आप नहीं जानते? मैं जानता हूं, मौत से बदतर चीज है, इसलिए मैं चाहता हूं उस तड़प से किसी को गुजरना ना पड़े। मुझे ये काम करने दीजिए सर, मैं हाथ जोड़ता हूं। आपको भी जनता की मदद करनी चाहिए सर। जनता को क्या देने का क्या नहीं मेरे को सिखाएगा? अभी बहुत हो गया तेरा, ये सब नाटक बंद कर और यहां से भाग। लेकिन मैं क्यों भागूं सर? जनता की मदद करना गलत है। किसी और के पैसे को अंगार लगाना गलत नहीं?
तो खुद को ज्यादा होशियार नहीं समझने का। मैं तेरे को कटवा के तेरा धंधा अपना नाम करके और खुद उसका मालिक बन सकता है। सोच ले, मेरा बात नहीं मानेगा तो मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। जो गरीब जिंदगी में सब कुछ खो चुका है वो आपकी धमकी से नहीं डरेगा। सर, अफवाह है कि विजय गुरुमूर्ति संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों को दान करने वाले हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो संपत्ति विजय का, वो जो चाहे करे, मेरा शुभकामना उसके साथ। सर 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 सर, बस एक और सवाल। सर आपके पार्टी के वरिष्ठ मंत्री को कहना है कि आने वाले चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं, इस बार आप क्या कहेंगे? सर सर कुछ तो बोलिए सर, सर बताइए सर, क्या कहना है इस बारे में? मैं चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। गली के गुंडे से लेके मैं बड़े से बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल्स भी देखा है, लेकिन इतना खतरनाक आदमी मैं अपना पूरा जिंदगी में नहीं देखा है। इसलिए कल से ये कंपनी मैं नहीं चलाऊंगा, हेमा मैडम चलाएंगे। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, वही उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उसको ढूंढने में बहुत टाइम भी लग सकता है, तब तक वो सारा पैसा खत्म कर देगा। आज के बाद कंपनी का भला बुरा सब कुछ हेमा मैडम देखेंगी। पेपर्स जल्द से जल्द बनवाइए सर। पर विजय क्यों? क्योंकि यही सही रहेगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, वक्त खुद ब खुद समझा देगा। उसके पैसे के बिना पार्टी टूट के बिगड़ जाएगा, इसके लिए उससे पैसा निकालने के लिए हमें उसको मजबूर करना पड़ेगा। इनकम टैक्स, विजय सर को बुलाइए। बॉस इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में है। पहुंच गया सर, दबोच ले उसको। विजय सर मीटिंग में, घसीट के बाहर लेके आए, भिखारी है साला। सर, नमस्ते सर, सीएम साहब ने आपके लिए बढ़िया बंदोबस्त किया, इन लोगों को बाहर भेज दो वरना ये भी लपेटे में आ जाएंगे। आप लोग जाइए, पर्सनल काम है, एकदम पर्सनल, पुराना हिसाब चुकाना है। चले दरवाजा बंद कर। शाने, सीएम साहब को हल्के में ले रहा है क्या तू? इज्जत से माना नहीं तो अपन को सारे पंटर लोग को लेके इधर आना पड़ा तेरी वाट लगाने के वास्ते। ये सड़ेली फोटो किसकी है बे? बोल, मान गया वो? नहीं, मार दिया सबको। तुझे क्या लगा था दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला कमजोर फकीर गुंडों का मुकाबला क्या करेगा? मैं तेरा वो हाल करेगा कि तू अपना मौत का भीख मांगेगा। तू तो जानता है मैं विजय गुरुमूर्ति नहीं, सत्या हूँ। जो बचपन से खतरों से खेलता आया वो सत्या। क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? जो काम मैं गरीबों के लिए कर रहा हूं वो काम तुझे खुद जनता के लिए करना चाहिए था। तू सबके सामने मेरी क्या बोल खोलेगा सीएम? मैं खुद सबको बताऊंगा और भीख में भी तुझे पैसे नहीं दूंगा। हेलो मैडम, आपने सही कहा था, मैं विजय नहीं हूं, मेरा नाम सत्य है। अरविंद वो डॉक्टर और प्रवीण विजय को मार चुके हैं। पूरे देश को आश्चर्य में डाल दिया है। जो विजय गुरुमूर्ति के नाम से जी रहा है वो असल में वो है ही नहीं, वो तो एक भिखारी सत्या है जिसका दिमाग विजय के शरीर में है। जी हाँ, आपने सही सुना। आधी उम्र जेल में बिता चुका हूँ मैडम, बाकी आधी भी बिता लूंगा। चिंता तो मुझे सिर्फ एक ही बात की है, गरीबी के खिलाफ मैंने जो मुहिम शुरू की है
उसे आप कभी बंद ना होने देना। मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है मैडम, और आपके साफ दिल पर। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अलविदा मैडम। वो विजय नहीं है, हम जैसा ही गरीब है। तभी मैं कहूँ वो हम गरीबों का दर्द कैसे समझता है, वरना ये मतलबी पैसे वाले लोग हम पर थूके भी ना। अजीब दुनिया है, जिसने सबका भला सोचा उसी को गलत ठहरा रहे, जैसे उसने गरीबों का भला करके कोई पाप किया हो। ये कलयुग का रावण राज है भैया। सुनाए बचपन में अनाथ हो गया था और भीख मांग के अपना पेट पालता। अरे तभी तो उस इंसान को हम बेसहारा अनाथों से इतनी हमदर्दी है। सिर्फ अपने फायदे के लिए गरीबों को लूटने वालों के बीच पहली बार कोई हमारा फायदा सोचने वाला है तो उसे मुजरिम बना दिया इन लोगों ने। जेल में रहते हुए उसने पढ़ाई करके देश की आर्थिक हालत को समझा। मैंने भी सुना, हर गरीब बच्चे को उससे कुछ सीखना चाहिए। ये गुरुमूर्ति के भाई का बेटा है अविनाश। ओ हेलो। अविनाश ही गुरुमूर्ति के धन का असली वारिस है। मेरे को सत्या को सजा दिलाने से मतलब नहीं है, खाली पैसा चाहिए। जब आप पावर में नहीं थे मैं तो तब भी कोई केस नहीं हारा, अब तो आप पावर में हैं कैसे हारने दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, जायदाद हमें ही मिलेगी। अरबपति विजय गुरुमूर्ति के हत्याकांड में प्रमुख आरोपी सत्या की आज सुनवाई है। उसके समर्थक भारी तादाद में कोर्ट के बाहर दिखे। इतनी सी अच्छाई एक इंसान ने क्या कर दी, सब पीछे ही पड़ गए। तरक्की करेगा ये देश? अरे गरीब था तो क्या हुआ, ऐसा देख के ईमान तो नहीं बदला? अपने लोगों का सहारा बना है इसलिए हम उसका साथ जरूर देंगे। वकील साहब, आपने आज तक सैकड़ों केस लड़े हैं, पर इस अनोखे केस के बारे में आपका क्या कहना है? सही कहा, ये केस अनोखा तो है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी कानून व्यवस्था में ऐसा केस पहले कभी नहीं हुआ। बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति को सुनवाई के लिए अदालत ले जाया जा रहा है। हम अदालत से आपको हर सेकंड की खबर देते रहेंगे। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सुरेश के साथ मैं हूं रिपोर्टर विनोद। भगवान ने स्वयं उसे भेजा है हमारी मदद करने के लिए। अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो हम सब भी चैन से नहीं जी पाएंगे। सत्या अगर गलत है तो भी क्या हुआ, काम तो उसने सबसे सही किए हैं। वो चाहता तो सारा पैसा ऐशो आराम में खर्च कर सकता था, पर उसने उसे कहाँ खर्च किया, गरीबों की सेवा करने में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप ये मुकदमा शुरू कर सकते हैं। केस बड़ा पेचीदा है। ये भोला दिखने वाला इंसान एक बड़ा शातिर और खतरनाक इंसान है। ये सत्या एक भिखारी है, वास्तव में ये एक गुनाहगार है। इसका प्लान कोई मामूली नहीं था योर ऑनर। अपने गिरोह के साथ मिलकर इसने विजय को पकड़ा, अपने दिमाग को उसके सिर में डलवाया ताकि ये रातों रात अमीर बन जाए। ये है इस इंसान की घिनौनी असलियत, जो कोई नहीं सोच सका वो इसने करके दिखाया। काम होने के बाद जो भी इसका राज जानते थे उनकी लाशों को इसने समंदर के बीच पर बेरहमी से दफना दिया। इससे ये साबित होता है योर ऑनर कि सत्या का विजय गुरुमूर्ति की जायदाद पर कोई हक नहीं है। ये उसका एक रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। मैं दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे इंसान को हमारे कानून की किताबों में जो भी सबसे कड़ी सजा है वो इसे दी जाए मिलोर्ड। तुम्हारी तरफ से दलील पेश करने के लिए वकील नहीं है क्या? नहीं है सर। ऐसे कैसे, फिर तुम्हारी तरफ की कहानी आज इस अदालत को कौन बताएगा? जब कहानी मेरी है सर, तो मुझसे बेहतर उसे आप सबको भला कौन सुना पाएगा। और इसके अलावा मेरे पास वकील की फीस देने के पैसे नहीं है। मैंने विजय का एक भी पैसा कभी भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया है। इजाजत है जज साहब? ठीक है बोलो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तुम्हारे जितने जुर्म गिनाए हैं उसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहोगे? जुर्म? मेरा जुर्म यही है कि मैं गरीब पैदा हुआ। जिस उम्र में स्कूल की परीक्षा देनी थी मैं जिंदगी की परीक्षा दे रहा था। ये तो बता दिया कि सत्या ने उन तीनों को बेरहमी से मार के फेंक दिया, पर यह नहीं सोचा कि सत्या की लाश को कहां सड़ने के लिए छोड़ा। उस सत्या के बारे में कोई नहीं जानता, वही सत्या
जो सिर्फ अपनी बहन के साथ सुकून से जिंदगी जीना चाहता था, वो भूखे जानवर की तरह मेरे टुकड़े कर देते। अगर बचाव में मैं उन्हें नहीं मारता, क्या खुद को बचाना जुर्म है? जो आदमी पढ़ाने की आड़ में मेरी बहन को बेचना चाहता था, जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो ड्रग्स के झूठे केस में मुझे अंदर कर दिया। बहन को बचाना भी जुर्म था? जिंदगी भर ठोकरें जरूर मिली सर, पर इंसाफ नहीं मिला। और एक आध बार शायद मिल भी जाता, पर सैकड़ों बार कैसे मिलेगा? इस देश में लाखों लोग हर रोज नाइंसाफी का शिकार होते हैं सर, जिसकी वजह है उनकी गरीबी। मैं बस उसी का इलाज कर रहा था। जब लालची लोग छुपके गलत काम कर सकते हैं, तो फिर मैं छुपके अच्छे काम क्यों नहीं कर सकता? योर ऑनर, इस तरह से कानून को हाथ में लेकर लोग मनमानी करने लगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। ये अपना दुखड़ा सुनाकर अदालत को गुमराह कर रहा है। जो पैसा विजय गुरुमूर्ति का था, उसे सत्या को उड़ाने का हक नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपना वकील ना लाकर और अमीर गरीब का मुद्दा बनाकर अदालत का मजाक बना रहा है, जो मुझे मंजूर नहीं। सजा सुनाइए इसे। मैं सजा भोगने को तैयार हूँ सर। मैं मान रहा हूँ कि मैंने कत्ल किए हैं। मुझे ना विजय के पैसे चाहिए ना उसकी जायदाद। बस इतना चाहता हूँ, जो मुहिम मैंने शुरू की वो आगे भी चलती रहे। इतनी मान गया। अगर तुम खुददार हो तो एक काम करो ना, तुम चुपचाप गुनाह कबूल कर लो और जेल चले जाओ। कुछ सालों बाद जब रिहा हो जाओगे तो दिमाग सही काम में लगाना और मेहनत करके अमीर बन जाना। फिर वो पैसा जिधर भी फूंकना है उधर फूंकते रहना। दूसरों के पैसों को दान करने वाला धर्मात्मा नहीं, फ्रॉड होता है। मिस्टर कृष्णस्वामी, अगर मैं आपको मेरा केस लड़ने के लिए अभी 10 करोड़ दूं, तो आप इसी वक्त मुझे विजय गुरुमूर्ति साबित करने में जुट जाएंगे। तो फ्रॉड कौन हुआ? पैसों के लिए आप मुजरिम को बेगुनाह और बेगुनाह को फांसी दिलवा सकते हैं। मैं चाहता तो विजय के पैसों से बड़ा वकील करके यहां से बाइज्जत बरी होकर निकल जाता, पर मेरा जमीर बिकाऊ नहीं है। आप माई बाप है, गरीबों का यह मौका उनसे मत छीनिए। मैं भीख मांगता हूं। माफी चाहता हूं योर ऑनर। आपने मार्केट में देखा होगा, भिखारी ऐसे ही जान खाते हैं जब तक उन्हें पैसा ना दिया जाए। इनका धंधा ही है सामने वाले को खुद पे दया खाने पे मजबूर करना। पर ये अदालत है, यहाँ सबूत काम करते हैं, जज्बात नहीं। योर ऑनर, विजय गुरुमूर्ति की जायदाद पर अगर किसी का हक है तो उनके अपने खानदान के वारिस यानी गुरुमूर्ति के भतीजे अविनाश का हक है। योर ऑनर, इस जालसाज भिखारी को कड़ी से कड़ी सजा दें। मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है। सर, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। ये गरीबी वो जहर है जो आदमी को एक झटके में नहीं बल्कि हर रोज धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारती है सर। एक दूध पीते बच्चे की माँ का भुखमरी से दूध सूखना क्या होता आपको नहीं पता। मैं और मेरी बहन कचरे के डिब्बे से खाना ढूंढ कर खाते थे और उसे भी मेरी गरीबी ने मुझसे छीन लिया। लोग घर के पालतू जानवर पे महीने का 30,000 खर्च कर देंगे, पर एक भूखे को एक वक्त का खाना नहीं खिलाएंगे। आपको भले ही नहीं दिखता उन लोगों का हाल, लेकिन मुझे तो दिखता है ना साहब। इनका ठेका भले कोई ना उठाए पर नजरअंदाज भी ना करे। मेरी योजना की वजह से सालों बाद गरीब भी जिंदा दिली से जीने लगा है सर। बस मेरी वजह से इनको सजा मत दीजिए, मेरे साथ जो करना है कर लीजिए। इस अजीबोगरीब मुकदमे में मुलजिम सत्या ने यह कबूल किया है कि उसने खुद अपनी जान बचाने के लिए उन 3 लोगों का खून किया जो विजय गुरुमूर्ति के भी कातिल थे। वजह चाहे जो भी हो, कत्ल एक बड़ा संगीन जुर्म है और कानून को हाथ में लेना गुनाह। इसलिए सत्या को कत्ल के जुर्म में और सबूत छुपाने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। आज इस केस से साबित हो गया कि इंसान का दिमाग उसकी रूह से बढ़कर है, क्योंकि दिमाग वो जगह है जहां इंसान का किरदार बसता है। किसी भी इंसान को भला या बुरा कुछ और नहीं, उसकी दिमागी सोच ही बनाती है। इसीलिए हमारे सामने जो मौजूद है वो विजय गुरुमूर्ति नहीं है, बल्कि उसके शरीर में बसा सत्या और सत्या का दिमाग बात कर रहा है। और विजय गुरुमूर्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी दौलत इसकी जागीर नहीं है। इसलिए गुरुमूर्ति की जायदाद उनके भतीजे यानी उनके असली वारिस अविनाश को दे दी जाए।
विजय गुरुमूर्ति का अंश मेरी कोख में पल रहा है सर। कुछ ही दिन पहले पता चला कि ये उसकी आखिरी निशानी है। हमारा बच्चा ही विजय गुरुमूर्ति की जायदाद का असली वारिस है। तुम कौन हो बेटी? हे माँ, विजय की मंगेतर, वीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सेक्रेटरी। और जो भी सत्या ने विजय के भेस में योजना बनाई थी उसे वीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज जारी रखेगी और गरीबी मिटाने का प्रयास करेगी। योर ऑनर, विजय गुरुमूर्ति एक अरबपति था, उसकी तमाम गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। इस तरह तो कोई भी किसी का भी बच्चा लाकर उसके वारिस होने का दावा कर सकता है। देखो, सेक्रेटरी होते हुए तुमने बॉस को जाल में जरूर फंसा लिया, पर अब मालकिन बनने का ख्वाब मत देखो। मिलॉर्ड, फिर भी मैं चाहूंगा कि तरस खाके इस लड़की को थोड़ा सा मुआवजा दे दिया जाए, जिससे कि ये अपनी जिंदगी। मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या यही करते? जलील करते? बदतमीज, योर ऑनर, देखा देखा आपने ये कैसे बात? चुप रहो, भड़काऊ इंसान है तुम, भड़काऊ। ऑर्डर, 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 ये अदालत है, कोई सड़क का नाका नहीं। अदालत 10 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। क्या रे तू बंदर है? एक लड़की के उकसाने पे नाचने लगा, उसे पहला फुसला के दफा कर देता। गलती किया तेरे पे भरोसा करके। अरे सर, मैं ऐसे कैसे दफा कर देता उसे? वो अपना वकील और डीएनए रिपोर्ट साथ में लाई थी। जज साहब इस वक्त उन्हीं कागजात को देख रहे हैं। ये नया वारिस बीच में नहीं आता तो हम जीत ही चुके थे। ऐसा कीजिए, जज साहब को खरीद लीजिए। वकील, इधर बात 10-20 करोड़ का नहीं है, 1,00,000 करोड़ का है। वो हाथ से गया तो फांसी लगा लेना, तो मेरे को अपना थोबड़ा दिखाने का नहीं। हेमा और उनके वकील ने जो मेडिकल रिपोर्ट लाके मुझे दिखाई, उससे यह साबित होता है कि उनका दावा बिल्कुल सही है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक उसकी कोक में जो बच्चा पल रहा है वो विजय गुरुमूर्ति का अपना ही खून है। इसलिए विजय गुरुमूर्ति की जायदाद उसके असली वारिस को ही मिलनी चाहिए। बच्चे के बालिग होने तक विजय गुरुमूर्ति की सारी जायदाद संभालने की जिम्मेदारी अदालत विजय गुरुमूर्ति के वारिस की माँ हेमा को सौंपने का हुक्म देती है। और अदालत ये भी चाहेगी कि सत्या ने जो गरीबी मिटाने की मुहिम शुरू की है उसे कोई आगे बढ़ाए, और इसलिए सत्या को मोहलत देती है कि वो कल तक उस काम को संभालने वाले सही इंसान को उसकी बागडोर सौंप दे। इसके साथ अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि सत्या को कल सुबह ठीक 11 बजे विजय गुरुमूर्ति के घर से जाकर गिरफ्तार किया जाए। ये अदालत सत्या की नीयत और उसके जज्बे को दिल से सलाम करती है। जय हिंद। शहर में चर्चा का विषय बने हुए सत्या उर्फ विजय गुरुमूर्ति को अब कुछ ही देर में उनके घर से गिरफ्तार किया जाने वाला है। पुलिस ने उनके घर के आसपास सुरक्षा को मजबूत किया है, क्योंकि लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ रहे हैं और हंगामा मचा रहे हैं। अगर ये देख के भी अमीरों की आंख नहीं खुली तो फिर लानत है उन सब की जिंदगी पर। अभी नहीं सर, आईजी सर खुद उसे लेने गए हैं। सामने के दरवाजे पर बहुत भीड़ जमी हुई है, इसलिए उसे पीछे के रास्ते से लेके आएंगे सर। इसका नाम रानी है, मेरी छोटी बहन। अगर हो सके तो इसे ढूंढ देना, आपका बड़ा एहसान होगा। आप आपके साथ काम करना बड़े गर्व की बात थी। जा बच्चा, अच्छे कर्म कर, अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे। सत्या, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं।
मेरी नियत में खोट थी इसलिए तुम्हें समझ नहीं पाया, पर अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए वो चीज लाया हूँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। भी नहीं जाऊंगा, तेरा ख्याल रखूंगा। तेरी शादी हो गई? ये मेरे पति हैं। का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आओ मामा, बहुत शुक्रिया। आओ शर्माओ मत। मुझे यहाँ नहीं रहना भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे छोड़ के मत जाओ। पूछो वो कैसे हैं बेटी। आप कैसे हैं मामा? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। नाम क्या है तेरा? सत्या। सत्या, भैया चप्पल के बिना चल चल के पैर छिल गए। तेरे लिए कल चप्पल ला दूंगा। माफ करना सत्या, तेरा मामा इतने सालों बाद तुझसे मिल रहा है, वो भी खाली हाथ। सर, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जा बच्चा जा, अच्छे कर्म कर, अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे।